أبو característica de una अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबको रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी? यस मैम मिल गई थी। मैंने दोबारा से कल आपको ईमेल किया पासपोर्ट के साथ। मैंने यस परसों भी की थी, यस लेकिन उसमें पासपोर्ट नहीं थे। तो यस मैम कल मैंने आपको जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थी रिकॉर्डिंग्स वो भेज दी हैं। आप में से किसी ने जो आप लोगों के क्विज के अंदर थी सिलेबस, उसमें से किसी ने रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड की हुई है? मैम डाउनलोड नहीं है लेकिन सेव है मेरे पास वो चार जो आपने भेजी थी। सेव कैसे है अगर डाउनलोड नहीं? मतलब लिंक्स और उनके पासवर्ड सेव हैं कि जब भी मैं ओपन करती हूँ वेब पे तो हो जाती है इजीली। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम ये सेकंड ई की क्लास है? दोनों की क्लास है, बी और डी दोनों की क्लास है। तो मैम जिनका लेक्चर है बायोमैकेनिक्स का। हाँ मैंने ईमेल की तो थी बेटा कि आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी और अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ओके मैम। अच्छा मैं, हाँ आप में से किसी के पास भी रिकॉर्डिंग नहीं है? असल में हम लोगों को पहले से ये बात बताई नहीं गई थी कि जूम पे इस दफा से सिर्फ महीने की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल रहेगी, उससे पिछले वाले जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो जो आपके फर्स्ट 5 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं वो अब नहीं है जूम के ऊपर अवेलेबल, और मैंने भी इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ था। मैंने आपको डायरेक्टली लिंक भेज दिया था क्योंकि इस बात का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में तो हमें एंड ऑफ द सेमेस्टर तक भी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी। इवन कि अब जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो फिर पिछली सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम लोगों ने डिलीट की है। तो मैम मैं अभी खोल के चेक करूं कि खुलती है या नहीं? हाँ आप चेक करो, क्योंकि मैंने उसको जब चेक किया तो उसमें यही आ रहा है कि ये रिकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। मैम मैं आपको चेक करके बताती हूँ, अगर खुल जाती है तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। हाँ अगर खुलती है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरे पास वो नहीं खुल रही। तो अगर आप में सेक्शन बी डी में से, सेक्शन बी में से किसी एक बच्चे ने भी अगर उसको डाउनलोड किया हुआ है तो ये है कि सबको उससे बेनिफिट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही 3-पीस सूट है। इनमें से ना उसको कौन सा सही रहेगा? डार्क कलर जो है, एक तो मुझे लग रही है ब्लू वाला।
अगर किसी को भी मिले तो प्लीज मुझे भी रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा, और ये हो जाएगा कि फिर आपके सब क्लास फेलोज का फायदा हो जाएगा, वरना फर्स्ट 5 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो मैम ये जो आपने फर्दर आगे में भेजी है ये वाली खुल जाएंगी ये अभी खुल वन मंथ जाएंगे, के आप बाद इनको भी? डाउनलोड कर लें, अदरवाइज नहीं ये नहीं खुलेंगे ना, ये विद इन 1 मंथ के बाद फिर डिलीट हो जाएंगी। आप इसको डाउनलोड कर लें, अगर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, मेरे पास, मैंने इनको डाउनलोड कर लिया अब सबको ना, तो अब मेरे पास अवेलेबल है। अदरवाइज आप अभी इनको खोलें और अपने पास डाउनलोड करते जाएं तो अभी तो ये हो जाएंगी आराम से, जितनी भी मैंने आपको कल भेजी है। कल मैंने आपसे आपको 6 से ऑनवर्ड जो आपके 13 लेक्चर्स हो गए हैं उन सब की यस मैम, रिकॉर्डिंग के लिंक्स और पासकोड भेज दिए, तो आप उन सबको या तो डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लें, अदरवाइज ये है कि मैंने डाउनलोड की हुई है वैसे, लेकिन फिर भी इट्स बेटर कि अगर आप अभी से उनको डाउनलोड करके सेव कर लें। ओके मैम, लेकिन इससे पहले वाले का मुझे आइडिया नहीं था, तो जब मैंने कल उनको देखा है कि मैं आपको दोबारा से सारी चीजें अपडेट कर दूं, तो वो अवेलेबल नहीं थी, तो आप लोग एक दफा उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नो मैम नहीं खुल रही, दिस रिकॉर्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। वो नहीं खोल रही क्योंकि मैंने भी इसको खोला था, तो फिर वो अवेलेबल नहीं हो रही। अगर आप पूछ लीजिएगा आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे कि किसी के पास भी अवेलेबल है, किसी ने भी गलती से डाउनलोड कर ली है अगर, तो वो प्लीज दे दे, अदरवाइज फिर देखते हैं मैम इनको आई कहाँ थिंक से। मेरे पास 1 या 2-3 लेक्चर्स की होगी डाउनलोड फॉर्म में, मैंने लैपटॉप चलें में तो की थी डाउनलोड। कोई भी अगर मिल जाती है तो ये बेहतर हो जाएगा सबके लिए, दोनों सेक्शंस के लिए, क्योंकि जी मेरे ठीक पास है, नहीं है। मुझे पहले जरा सा भी आइडिया होता तो मैं साथ में डाउनलोड कर लेती। मेरे पास आपकी अटेंडेंस और 6 लेक्चर से जो ऑनवर्ड है उन सबकी अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लेकिन जो फर्स्ट 5 है आपके पीपीटीज तो वो 4 बनती है, लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो रिकॉर्डिंग्स वो 5 है। तो अगर किसी के पास भी वो फर्स्ट 5 रिकॉर्डिंग्स हैं तो प्लीज, या उनमें से कोई भी है तो आप उसको शेयर कर दें, उसको डाउनलोड रखें ताकि हम एक दूसरे को सेंड कर सकें, हमें दोबारा से उसको रिकॉर्ड ना करना पड़े। मैम आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अब यही करूंगी कि डाउनलोड तो हो गई है तो बस सारी यूट्यूब पे डाल दूंगी, ताकि बार बार ये वाली टेंशन ना हो कि आप लोगों को भी करें लिंक्स की टेंशन हो या इस वो तरह उसमें। से। अब ये सारी मैं जो भी मेरे पास डाउनलोडेड है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन वैसे आपको लिंक भेज दिए, आप लोग खुद डाउनलोड करना चाहें तो बेशक कर लें, सारी पासकोड साथ में अवेलेबल है। अदरवाइज मैंने अब यही सोचा है कि मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो फिर वहां से वो एक्सपायर नहीं हो सकेगी। मैम जो आपने हमें सेंड किए हैं कल, तो उसकी आपके पास सब डाउनलोड फॉर्म में है? हाँ, जो मैंने आपको कल से सेंड किए हैं ना, जी 6 लेक्चर से 13 लेक्चर्स तक, वो सारी मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उनको साथ साथ डाउनलोड भी कर लिया। मैम, मुझे आप पहले एक आइडिया काम नहीं था। करें, आप उसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें, हमारे लिए ना यूट्यूब से पढ़ना ज्यादा मैं इजी हो यही जाता कह है। रही हूँ कि मैंने ये सोचा हुआ है, सोच लिया है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो मैं डाउनलोड करती जाऊंगी वो यूट्यूब पे डाल दूंगी, ताकि ये वाली टेंशन ना हो कि अभी लिंक एक्सपायर हो जाएगा और उससे पहले ये करना है, तो वो आप लोगों को मिलेगी। अब मैंने यूट्यूब के चैनल मेरा बना हुआ है, मैंने यूट्यूब पे बस उसको अपडेट करना है, तो वो मैं कर थैंक यू दूंगी आप मैम। लोग। वेलकम। बाकी पीपीटीज आप लोगों की मैंने ईमेल भी कर दी हैं, और पीपीटी सारी आप लोगों की जो आप लोगों का एलएमएस है वहां पे भी अवेलेबल है, ठीक है? और असेसमेंट प्लान के बारे में अभी तक तो कुछ नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा कोई कंसर्न है किसी का? ये यस मेरा मैम, क्वेश्चन मैं है लास्ट पूछूं? लेक्चर से जी जी पूछें। मैम, ये जो आपने टी स्कोर की रेंजेस बताई थी, तो उसमें जो हाँ ऑस्टियोप्रोसेस वाली, जब जहाँ पे ऑस्टियोप्रोसेस हो रहा होता है उसमें 22.5 और लेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑस्टियोपीनिया की तो 1.0 से 2.4 तक है, तो इससे फर्दर आगे नहीं जानी चाहिए रेंज, हायर नहीं होनी चाहिए? माइनस में है बेटा, मैम बुक में नहीं माइनस लिखा हुआ। -2.5 है। तो मैम फिर ये माइनस नॉर्मल में -1.2। अच्छा ठीक है मैम, बुक में माइनस लगा लूँ जी। जी -2.5 है। ओके मैम, थैंक यू मैम।
इसके अलावा कुछ पूछने? नो मैम. सबको समझ आ गई थी लास्ट लेक्चर की? यस मैम. लास्ट लेक्चर में हमने आरए के बारे में पढ़ा था, ओए के बारे में पढ़ा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. असल में अगर आप लोगों को वो डिजीजेस समझ आई होंगी तो फिर आज का लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि आज बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है कि क्या क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो हम ज्वाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या टेंडन के ऊपर, या लिगामेंट्स के ऊपर. और वो तभी आपको समझ आएंगी जब आपको आइडिया हो कि आरए में क्या होता है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, ओए में क्या होता है जिसकी वजह से हम ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. तो बेसिक लास्ट लेक्चर की अगर आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आज का लेक्चर आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा. मैं एक दफा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ. आज हमने कॉमन जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं और उनकी जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसके बारे में देखना है कि कौन कौन सी सर्जरीज हैं जो मोस्ट कॉमनली हम करा सकते हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनमें आर्थराइटिक चेंजिंग्स आ गई हैं, आर्थराइटिस है, आर्थ्रोसिस है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं जैसे टेंडन रिपेयर है, लिगामेंटस रिपेयर है, या फेशिया में कोई प्रॉब्लम है, या आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज है, या आप लोगों के कैप्सूल्स हैं, जो भी चीजें ज्वाइंट के सराउंडिंग में है, साइनोवियल ज्वाइंट के, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम सर्जिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो फेल हो गई है. नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि हम पेशेंट को फिजिकल थेरेपी करा रहे थे, पेशेंट को हमने मेडिकेशंस भी दी, पेशेंट को हमने हर तरह से डील करने की कोशिश की, लेकिन वो मैनेज नहीं हुआ. तो अब हम सर्जरी जो है वो एज ऑप्शन देख रहे हैं कि पेशेंट को हम कौन सी सर्जरीज जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो बहुत सी ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स, जो भी चीजें हैं, कार्टिलेज, फेशिया, जॉइंट, कैप्सूल्स, उनको अफेक्ट करती है, जो हमारी फंक्शनल लिमिटेशंस और डिसेबिलिटी कॉज करती हैं. तो ऐसी बहुत सी डिजीजेज हैं जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होती है, जहाँ हमारी जो नॉन ऑपरेटिव या जो हमारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट थी वो फेल हो गई. ठीक है, हमने इलेक्ट्रोथेरेपी भी इस्तेमाल कर ली, हमने फिजिकल एजेंट्स भी इस्तेमाल कर लिए, हमने मेडिकेशंस भी इस्तेमाल कर ली, हमने पेशेंट को असिस्टिव डिवाइस भी दे दिए चलने के लिए. बेटा काइंडली इसको अपनी तरफ से म्यूट कर दे. मैं इसलिए म्यूट नहीं कर रही कि क्वेश्चन अगर बीच में रेज होते हैं तो फिर मैं आपको जवाब दे सकूं. नॉन ऑपरेटिव मेजर्स हमने इस्तेमाल किए लेकिन पेशेंट को उससे बेनिफिट नहीं हुआ, तो हमने फिर सर्जिकल इंटरवेंशन है उनको दे दिया. अब सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं कि हम सर्जरी क्यों रिकमेंड करते हैं. एक तो पेशेंट को इतना पेन है जो रेस्ट पे भी है और उसको एक्टिविटीज करते हुए भी है, कि या तो ऐसा होना कि पेशेंट रेस्ट कर ले तो पेन सबसाइड हो जाए, लेकिन पेशेंट के पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पेशेंट रेस्ट पे भी है तब भी उसको पेन हो रहा है. पेशेंट की एक्टिव और पैसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन में लिमिटेशंस हैं. ठीक है, पेशेंट का जो जॉइंट है उसमें इंस्टेबिलिटीज हैं, बोनी सेगमेंट्स में भी प्रॉपर जो ग्रॉस इंस्टेबिलिटी है जॉइंट की वो भी है. पेशेंट में स्ट्रक्चरल डिजनरेशन है, क्रॉनिक जॉइंट स्वेलिंग है. ठीक है, पेशेंट की जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, या पहले उसने सर्जरी कराई हुई है जो कि फेल हो गई है, तो आप दोबारा से फिर सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं. पेशेंट का इतना ज्यादा लॉस ऑफ फंक्शन है कि वो उसको डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है, तो ये सारी वो इंडिकेशंस हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में, एक्सट्रीमिटीज की या स्पाइन की, जिनमें हम फिर सर्जिकल जो ऑप्शंस हैं उनको कंसीडर करते हैं. अब जब भी आप सर्जिकल कंडीशंस या सर्जिकल चीजों की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ पेशेंट के लिए प्री ऑपरेटिव गाइडलाइंस होती हैं, कि ऑपरेशन से पहले आपने पेशेंट को कुछ गाइडलाइंस देनी होती है. अब गाइडलाइंस जो है वो प्री ऑपरेटिवली भी होती हैं और पोस्ट ऑपरेटिवली भी होती हैं. ठीक है, प्री ऑपरेटिवली में आप जैसे पेशेंट के लिए आपने क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती हैं, कि आप पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, उसमें आप पेशेंट का पेन, उसकी रेंज ऑफ मोशन, उसकी स्किन की इंटीग्रिटी है नहीं है, कि पहले कहीं कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई प्रीवियस स्कार तो नहीं है सर्जरी का या इंजरी का, मसल परफॉर्मेंस कैसी है, वही मसल परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस जो है वो हम देखते हैं, पेशेंट का पोस्चर कैसा है,
उसका प्रेफर्ड पोस्चर क्या है, क्या पोस्चर एबनॉर्मैलिटीज जो है वो रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट तो नहीं करी। इसके अलावा हम उसका गेट एनालिसिस कर लेते हैं कि पेशेंट सर्जरी से पहले साइड मूव नहीं कर रही। बेटा मैंने अभी मूव नहीं किया इसको, मैं अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। हम गेट एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो उसको असिस्टेड डिवाइस वो इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, फंक्शनल स्टेटस जो है पेशेंट का वो क्या है। तो प्री ऑपरेटिवली हम ये सारी चीजें जो है वो गाइडलाइंस में कंसिडर करते हैं। अब प्री ऑपरेटिव जो आपका कॉन्टेक्ट है पेशेंट का, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या आपने पेशेंट को पहले से ही सारी गाइडलाइंस जो दी हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आपको आइडिया हो जाता है कि एक बेस लाइन क्या है, कि पोस्ट ऑपरेटिवली आपको किस हद तक जो है वो पेशेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको उसकी बेस लाइन का आइडिया हो गया है प्री ऑपरेटिवली, आपने उसको एग्जामिन कर लिया था, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट के गोल्स क्या हैं, वो क्या सोचता है कि सर्जरी के बाद मेरे क्या फंक्शनल आउटकम्स होंगे, मैं किस हद तक मोबाइल हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने उससे हर तरह का कांटेक्ट किया, आपने उसको एग्जामिन भी किया, आपने उसको एवेलुएट भी किया, आपकी उससे डिस्कशन भी हुई, तो आपको आइडिया हो गया कि पेशेंट बेसिकली क्या समझ रहा है, ठीक है, उसके माइंड में उस चीज से रिलेटेड क्या बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह की केयर देनी है पेशेंट को, आपको ये आइडिया हो गया है कि पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली रिहेबिलिटेशन कॉम्पोनेंट्स अचीव करेगा नहीं करता। तो ये वाली सारी चीजें जो हैं ये प्री ऑपरेटिवली जब आप पेशेंट से कांटेक्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हैं। अब प्री ऑपरेटिवली जो पेशेंट एजुकेशन है, जो आप पेशेंट की एजुकेशन कर रहे हैं प्री ऑपरेटिवली, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। एक तो आपने उसको ओवरऑल जो प्लान ऑफ केयर है वो एक्सप्लेन करना है, आपने उसको जो पोस्ट ऑपरेटिवली प्रिकॉशंस हैं कि ये मूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या आपने नहीं करनी, ये वाली सारी चीजें क्या आपके लिए प्रिकॉशंस हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, बेड मोबिलिटी ट्रांसफर आपने बताने हैं उसको, आपने बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिवली इनिशियली वो कौन कौन से एक्सरसाइजेस जो है वो कर सकता है, ठीक है। गे ट्रेनिंग के बारे में आप बताते हैं पेशेंट को कि उसको क्रचेज या वॉकर चाहिए, या फिर आप पेशेंट को जो उसका वूंड है जहाँ पे इंसिजन लगी है उसकी केयर, उसकी मोबिलिटी, उसकी सारी चीजें जो है वो बताते हैं। तो ये कॉमन प्री ऑपरेटिवली हमारी जो है वो पेशेंट के लिए एजुकेशन होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या कुछ है वो हम देखते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता, कि हर जो डिजीज है उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हर जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आप पेशेंट को क्या कुछ करा सकते हैं। अदरवाइज पोस्ट ऑपरेटिवली जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो भी उन थ्री कैटेगरीज के अंदर हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। सबसे पहले है आपकी जो पोस्ट ऑपरेटिव में है, दैट इज मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, जो हम एक्यूट फेज कहते हैं जिसको। जो सेकेंड वन थी, दैट वॉज कंट्रोल्ड मोशन फेज, जिसको हमने लास्ट टाइम पे सब एक्यूट कहा था। और जो थर्ड वन है, दैट इज बेटा प्लीज इसको म्यूट करो। हमने बात की थी कंट्रोल्ड मोशन फेज की, जो हमने कहा था कि सब एक्यूट फेज है, और फिर हमने बात की थी कि जो क्रॉनिक फेज होती है आपकी या जो रिटर्न टू फंक्शनल फेज है, ये जो पोस्ट ऑपरेटिवली गाइडलाइंस हैं ये भी इस तरह से थ्री कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है, ठीक है। और फिर जो भी आपकी सर्जरीज होती हैं उनकी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो आज हम बेसिक बात करते हैं कि कौन कौन सी सर्जिकल अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी कॉमन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं जो हम कर सकते हैं जब हमारे जॉइंट में या मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो। इसमें दो तरह की सर्जरीज होती हैं, ओपन और आर्थोस्कोपिक, ठीक है। और एक सर्जरी होती है जिसमें दोनों मिक्स होता है, कि ऑर्थोस्कोपिकली आप सर्जरी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें आप सर्जरी जो है वो ओपनली भी करते हैं। अब डिफरेंस क्या है ओपन ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज में। ओपन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, नॉर्मली आप देखते होंगे कि ऐसी इंसिजन जो इतनी लेंथ की हो कि वो आपके ऊपर से जो स्किन की लेयर्स हैं, फिर जो आपकी फेशिया की लेयर्स हैं, फिर अंदर से जो मसल की लेयर्स हैं, सबको खोलती हुई जाए और अंदर वाली जो स्पेसिफिक चीज है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। अब आपने किसी जॉइंट की सर्जरी करानी है, क्योंकि हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बात करें
तो हम आर्थ्रोस्कोपी या जो ओपन प्रोसीजर्स हैं उनमें हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल के लिहाज से चलेंगे आज। ओपन प्रोसीजर्स वो हैं जिनमें आपने लेंथ डेप्थ की एडिक्वेट इंसिजन दी, ठीक है, जो अंदर तक पेनिट्रेट की। जैसे मैंने अप्रोच करना था अपना नी ज्वाइंट, तो नी ज्वाइंट के ऊपर जो भी मेरे स्किन है, जो भी मेरे फेशियाज हैं, फिर जो मेरे मसल्स हैं, मैं उन सबको कट करूंगी और फिर नी ज्वाइंट जो मेरा मेन है वहां तक पहुंच जाऊं। तो ये वाली जो प्रोसीजर्स होते हैं इनको आप ओपन प्रोसीजर्स कहते हैं, जिनमें आपको इंसिजन बड़ी देनी पड़ती है, जिसकी लेंथ भी ज्यादा है, जिसकी डेप्थ भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं इनको आप ओपन प्रोसीजर्स कहते हैं। क्या इंडिकेशंस हैं ओपन प्रोसीजर्स के लिए? ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी आपने करनी है तो उस केस में आपको ओपन इंसिजन देनी पड़ेगी। आर्थ्रोडेसिस है, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट को आपने फ्यूज कर दिया है, ठीक है, उस केस में आपने फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर की इंटरनल फिक्सेशन करनी है। आपने बायोमैकेनिक्स में फ्रैक्चर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लॉस्ट फिक्सेशन होती है, एक आपकी ओपन फिक्सेशन होती है। अगर आपने फ्रैक्चर को इंटरनली फिक्स करना है, ठीक है, अंदर उसके मेटल रोड डालनी है या आपने इसके अंदर कोई भी चीज प्लेस करनी है ताकि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, उसको अंदर से जोड़ा जा सके, तो उस केस में अगर आपने इंटरनल फिक्सेशन करनी है फ्रैक्चर्स की तो आपको प्रॉपरली हर चीज खोलनी पड़ेगी। कुछ टिश्यू रिपेयर या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज इस तरह की होती हैं जिनमें आप लोगों ने ओपन जो सर्जरीज हैं वो आप करते हैं। तो ये वो इंडिकेशंस हैं जो ओपन प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आर्थ्रोस्कोपिक। आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉलर इंसिजन देते हैं, उसके थ्रू जो है वो आपकी जो एंडोस्कोप है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है, ठीक है, आप वो स्किन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके लिए आपकी आपको जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर जो इंसिजन है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आर्थ्रोस्कोपी बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टूल है जो हम डिफरेंट जो इंट्रा आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम इसमें जो है वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, इसमें जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक एरिया बस डील करना होता है, सिर्फ वहीं वहीं पे आप जहां पे आपने इंसिजन देनी है वहां पे आप एनेस्थीसिया देते हैं, और उस तरह से फिर आप वो जो ट्यूब है, ठीक है, वो जो बेसिकली कैमरा है उसको आप इंसर्ट करते हैं ताकि आप देख सकें कि अंदर ज्वाइंट की क्या कंडीशन है, और फिर वहां पे अगर कोई रिपेयर रिक्वायर्ड है या कोई चीज रिक्वायर्ड है, जैसे अगर कोई टेयर हो गया है आपने उसकी उसको सीना है या उसको ठीक करना है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उस केस में आप आर्थ्रोस्कोपिक जो सर्जरीज हैं वो करा सकते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोस्कोपिक जो सर्जरीज हैं ये हम अंदर कोई लूज बॉडीज बन गई हैं उनको निकालने के लिए, या ज्वाइंट सरफेस की अगर हमने डिब्राइडमेंट करनी हो उस केस में आप लगा सकते हैं। तो ये स्मॉलर इंसिजन होते हैं, इस वजह से इसमें जो रिहैब है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ओपन प्रोसीजर्स में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ऑब्वियस बात है स्कार का साइज बड़ा है, इंसिजन आपने ज्यादा बड़ी लेंथ की दी है तो वो ज्यादा टाइम रिक्वायर करेगी क्योंकि हीलिंग होनी है सारे टिश्यूज की। लेकिन जो आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं उनमें रिहैबिलिटेशन जो है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आर्थ्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं ये मोस्ट कॉमनली हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो है ये हम अगर हमने मेनिस्टेक्टमी करनी हो तो उस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिस्टेक्टमी का क्या मतलब है? टेक्टमी जहां लगा होता है इसका मतलब है आप उस चीज को निकाल रहे हैं। तो मेनिस्कस को अगर आप निकालेंगे, ठीक है, अगर आप ज्वाइंट की सर्जरी कर रहे हैं नी ज्वाइंट की, नी ज्वाइंट पे दो मेनिस्काएं हैं मीडियल और लैटरल, आपके मेनिस्कस प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेनिस्कस टॉर्न हो गए हैं, मेनिस्कस अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और मेनिस्काए को निकाल के ही पेशेंट को पेन रिलीफ हो सकता है, तो उस केस में आप मेनिस्कस को जब निकाल देते हैं तो दैट इज मेनिस्टेक्टमी, कि आपने मेनिस्कस को निकाल दिया। इसी तरह से साइनोवेक्टमी होता है। साइनोवेक्टमी का क्या मतलब है? साइनोवियम, साइनोवियम जो लाइनिंग है आपके आपके ज्वाइंट्स के सराउंडिंग में, आपने उसको निकाल दिया। क्यों निकालना पड़ेगा? जैसे हमने आरए लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी ज्वाइंट डिजीज है जो आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनिंग को कॉज करता है, तो आरए में आपको साइनोवेक्टमी भी करवानी पड़ सकती है पेशेंट की, अगर नॉन कंजर्वेटिवली पेशेंट मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, सॉरी कंजर्वेटिवली पेशेंट मैनेजमेंट मैनेज नहीं हो रहा तो आप नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं विच इज सर्जरी। तो साइनोवेक्टमी हम आरए के पेशेंट्स में करा सकते हैं कि हम साइनोवियम को ही वहां से निकाल दें। तो ये कॉमन आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा है आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर. उनका क्या मतलब है कि आपने आर्थ्रोस्कोप और कैमरा इस्तेमाल किया विजुलाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है. वो करने के बाद आपने ओपन सर्जरी भी की सिलेक्टेड एरियाज में, ठीक है. तो इसको आप कहते हैं मिनी ओपन, कि उसमें फिर उतनी इंसिजन नहीं देनी पड़ती जितनी बिल्कुल ओपन प्रोसीजर में देनी पड़ती है. आर्थ्रोस्कोपिकली आपने असिस्ट किया, ठीक है, कुछ पोर्शन को आपने आर्थ्रोस्कोपिकली किया और फिर कुछ पोर्शन को आपने जो है वो ओपनली किया. तो ये मिनी ओपन प्रोसीजर्स हैं. तो हम ऑर्थोपेडिकली जो सर्जिकल इंटरवेंशन हैं उनमें तीन तरह से होती हैं, ओपन सर्जरीज, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज एंड आर्थोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर्स, ठीक है, जिनको हम मिनी ओपन प्रोसीजर्स भी कहते हैं. ये तो बात हो गई कि नॉर्मल सर्जिकल अप्रोचेस कौन कौन सी है. नेक्स्ट वन है टिश्यू ग्राफ्ट. अब जो टिश्यू ग्राफ्ट है वो जब आपने मसल का रिपेयर करना है, आपने टेंडन का रिपेयर करना है, आपने लिगामेंट्स का रिपेयर करना है, तो इनकी जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है. रिकंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. लिगामेंट बिल्कुल टेयर हो गया, टेंडन बिल्कुल टेयर हो गया, अब उसको दोबारा से बनाना है तो वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है. अब रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए आप ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है. अब वो जो टिश्यू ग्राफ्ट है वो रिपेयर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. किस किस चीज के, पहले बात हो गई लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे नी के लिगामेंट्स हैं या फिर आपके जो एंकल का लिगामेंट है. नॉर्मली जो हमारे बाइसिपिटल टेंडन्स होते हैं या हमारे जो टेंडोएचिलस है उसका, या फिर आपके जो नी और एंकल के जो लिगामेंट्स हैं, जैसे ACL है आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, तो ये वाले जो आपके लिगामेंट्स हैं इनकी रिपेयर के लिए आपको ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है. आर्टिकुलर कार्टिलेज का आपने रिपेयर करना है या फिर बोनी प्रोसीजर्स करने हैं, तो उस केस में आपको ग्राफ्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं. अब वो जो ग्राफ्ट है वो तीन तरह के हैं, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड सिंथेटिक ग्राफ्ट, ठीक है. ग्राफ्ट के थ्री टाइप्स हैं जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर. ऑटोग्राफ्ट का क्या मतलब है, इसको हम ऑटोजीनियस या ऑटोलोगस भी कहते हैं, कि पेशेंट अपना ही, कि हम उसके किसी और बॉडी पार्ट से ग्राफ्ट ले लें, ऑटो है, पेशेंट के अपने ही बॉडी से हमने वो ग्राफ्ट लिया है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पटेलर टेंडन है, ठीक है, पटेलर टेंडन के जो ग्राफ्ट हैं वो अक्सर हम एंटीरियर क्रूशिएट और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरीज हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. बहुत अरसे से ये इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी जो ACL या PCL के जो रप्चर्स हैं उनके अंदर. तो आपने अपनी बॉडी से ही जो ग्राफ्ट लिया वो ऑटोग्राफ्ट है. एलोग्राफ्ट क्या होता है, कि आपने किसी और से लिया, डोनर है कोई और, ठीक है, कोई और डोनर है, आपने उससे जो है वो ग्राफ्ट लिया, आपने उसको ठंड में रखा, आपने उसको प्रिजर्व कर लिया. प्रिजर्व करने के बाद आपने पेशेंट के साथ उसको मैच किया कि कोई रिजेक्शन तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि आपस में क्रॉस मैच होते हैं, रिजेक्शन आए ऑब्वियस बात है बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करी तो वो आप नहीं लगा सकते ग्राफ्ट. तो क्या है कि आपने किसी और बॉडी से वो ग्राफ्ट ले लिया. मोस्टली इसमें कैडावेरिक डोनर्स होते हैं, कि जो लोग फोत हो गए हैं, कैडावर्स जो हैं, हम वहां से ये ग्राफ्ट जो है इसका इसको ले लेते हैं. तो एलोग्राफ्ट का मतलब है अपनी बॉडी के अलावा किसी और बॉडी से आपने ले लिया. सिंथेटिक ग्राफ्ट जो है वो क्या होते हैं, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव होते हैं ह्यूमन टिश्यूज के, जो बहुत लिमिटेड जो हमने लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है, जैसे नी ज्वाइंट की, तो उस केस में जो गोर-टेक्स है या डेकरन मटेरियल है उससे हम बनाते हैं सिंथेटिक ग्राफ्ट. लेकिन इनके बहुत ज्यादा जो है ना हाई रेट है फेलियर का, और ये टाइम टू टाइम जो है वो फेल हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको इतना ज्यादा नहीं बनाते, ठीक है. नॉर्मली हम ऑटोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो ऑटोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट हैं इनके भी कुछ रिस्क और ड्रॉबैक्स हैं. क्या रिस्क हैं और ड्रॉबैक हैं हमारे जो ऑटोग्राफ्ट हैं और जो हमारे एलोग्राफ्ट हैं. ऑटोग्राफ्ट मीन कि हम अपनी बॉडी से ले रहे हैं, ठीक है, हम पेशेंट की बॉडी से ले रहे हैं. तो इसका मतलब है कि पेशेंट में दो तरह के सर्जिकल प्रोसीजर हुए, एक तो पहले हमने नॉर्मल टिश्यूज को उखाड़ा वहां से, ठीक है, और फिर हमने उसको जो एरिया था वहां पे लगाया. तो दो सर्जिकल प्रोसीजर हो गए पेशेंट के लिए, कि एक पहले उसको देना पड़ा वहां से, हमने उसको जो हेल्दी टिश्यूज था वहां पे भी हमने उसको आप कहें कि ट्रॉमा कर दिया, और फिर दूसरी जगह पे हम उसको लगा रहे हैं. तो एक तो ये दो तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स इसके लिए जरूरी हैं. दूसरा कि हम डोनर साइड के जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब हम इसको उखाड़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वहां पे भी तो रिएक्शन आएगा, वहां पे पेन आएगा, बाकी सब चीजें हैं. तो एक ये इसका ड्रॉबैक है, और एक ये कि हेल्दी टिश्यूज जो है वो इसमें डैमेज हो रहे हैं. जो ऑलोग्राफ्ट है उसमें उसके क्या डिसएडवांटेजेस है,
जिस डोनर से ले रहे हैं उसकी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है. ऑब्वियस बात है, हमने लेने के बाद उसको प्रिजर्व किया है तो वो जो ग्राफ्ट है वो उतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ठीक है. तो उसकी जो ग्राफ्ट स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है स्टीलाइजेशन के बाद. फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है. इसके अलावा कैडावेरिक टिश्यूज हमें इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, एक ये रीजन है. जो लास्ट वन है वो क्या है कि हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज इम्प्लांटेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो उस ग्राफ्ट के अंदर जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो ठंड से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. तो हम उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे ऑटोग्राफ्ट के और एलोग्राफ्ट के. नेक्स्ट वन है रिपेयर रीअटैचमेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, ठीक है, कि आप जो है वो रिपेयर के लिए कौन कौन सी सर्जरीज हैं वो करा सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मसल रिपेयर की. रिपेयर जो सर्जरीज होती हैं उनमें पहले है मसल रिपेयर. मसल का कंप्लीट टेयर या रप्चर जब हो जाता है ये बहुत अनयूजुअल है. ऐसा नहीं होता कि आपका जो मसल है उसका कंप्लीट ही रप्चर हो जाए. ये सिर्फ उस केस में हो सकता है कि आपको कोई इतना ट्रॉमा है इतना आपका कोई हाई इंटेंसिटी का कि उसने बिल्कुल ही जो मसल है उसको रप्चर कर दिया, या फिर क्या है कि आपका मसल जो है वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन में था और एकदम से किसी ने उसको ब्लॉक किया, या आप मसल जो है वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन में था और एकदम से उसको किसी ने स्ट्रेच कर दिया फोर्सफुली. तो उस केस में ही सिर्फ आपके जो मसल के कंप्लीट टेयर है वो हो सकते हैं, अदरवाइज मसल के कंप्लीट टेयर जो है वो अनयूजुअल है. अब जब भी मसल के कंप्लीट टेयर होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप इमिजिएटली रिपेयर नहीं कर सकते. इमिजिएटली रिपेयर आप क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मल सी बात है, मसल का रप्चर हो गया, मसल टेयर हो गया, अब इन्फ्लेमेशन आई होगी. अब जब इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे आप सबको पता है स्वेलिंग होती है और बाकी सब चीजें हैं, तो स्वेलिंग की वजह से जो मसल का टेक्सचर है वो अफेक्ट होगा. जब मसल का टेक्सचर अफेक्ट होगा तो आपकी आपके जो मसल्स हैं अगर आप उनको सुचर भी कर दें अंदर, कि उनको एक जगह लगा के आपने ऊपर से उनको बांध दिया है ताकि उनकी हीलिंग हो सके, तो क्या होगा, वो अपनी जगह पे टिके ही नहीं रहेंगे क्योंकि उनका टेक्सचर डिफरेंट हो गया, स्लिपरी से हो गए हैं वो. तो इमिजिएटली आफ्टर कंप्लीट टेयर ऑफ मसल आप कभी भी सर्जरीज नहीं करते. अप्रोक्सीमेटली 48 to 72 hours के बाद आप सर्जरी करते हैं, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्ट्री आउटकम आ सकते हैं, क्योंकि अब आपके जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो रही है पेशेंट की, तो फिर उसके बाद ही आप जो मसल रिपेयर है वो कराते हैं. मसल को जब आपने रिपेयर कराना है तो सुचरिंग के बाद आप क्या करते हैं, शॉर्टेंड पोजीशन में इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि उसकी हीलिंग हो सके. अगर आप लेंथन पोजीशन में करेंगे तो पहले से टेयर है, ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो हीलिंग नहीं होने देगी, तो आप हमेशा मसल को शॉर्टेंड पोजीशन में लेके जाके स्लिंग पहना दें, आप उसको कोई भी कास्ट पहना दें ताकि आप उसको शॉर्टेंड पोजीशन में इमोबिलाइज कर सके ताकि उसकी हीलिंग हो सके, ठीक है. तो ये तो हो गई है मसल रिपेयर. अब इसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आप क्या करते हैं, सर्जरी के फौरन बाद आप जो सुचर्ड मसल है उसकी मसल सेटिंग एक्सरसाइज कराते हैं. मसल सेटिंग का क्या मतलब है, लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है. जब आपकी इमोबिलाइजेशन रिमूव हो जाती है तो आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड मोशन प्रोटेक्टेड रेंज के अंदर, ताकि पेशेंट की ज्वाइंट मोबिलिटी को रीगेन किया जा सके और कॉन्ट्रेक्चर्स को अवॉइड किया जा सके, ठीक है. शुरू में वेट बेयरिंग जो है वो आप पार्शली रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब तक के पेशेंट जो है वो फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी उसकी दोबारा से रीगेन नहीं हो जाती आपकी मसल के अंदर. इसके अलावा लो लोड की हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेस जो है या आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को प्रोग्रेस करा सकते हैं ग्रेजुअली, ताकि उसके हीलिंग मसल्स को प्रोटेक्शन भी मिले और उसका जो पेन है वो ना बढ़े, ठीक है. इसके अलावा बिल्कुल फुल एक्टिविटी पे जाने के लिए आप विग्रस स्ट्रेचिंग जो है वो करा सकते हैं, लेकिन कब करानी है आपने, जब तक के उसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि 6 to 8 weeks पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसके बाद ही पेशेंट को विग्रस स्ट्रेचिंग करा सकते हैं. इससे पहले आप स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप पेशेंट को नहीं करा सकते. तो ये तो है मसल रिपेयर. नेक्स्ट वन है टेंडन रिपेयर. जो टेंडन के रिपेयर होते हैं, ठीक है, यंग पर्सन में कोई स्वेयर ट्रॉमा हो गया है या कुछ इस तरह से, तो उसके केस में आप जो है वो मतलब जो हमारे यंग होते हैं उनमें हमेशा स्वेयर ट्रॉमा की वजह से ही जो टेंडन रप्चर है वो होता है. जो हमारे एल्डरली हैं उनमें तो
बार बार जो एक स्ट्रेस लगता जाता है, बार बार कोई जैसे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है या एज के साथ साथ जो टेंडन है उसकी डिटोरियोरेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये जो एल्डरली है उनके अंदर हमारी जो प्रोग्रेसिव डिटोरियोरेशन होती है टेंडन की, और साथ में एकदम से वो किसी दिन अनयूजुअल मूवमेंट कर ले या किसी ने एकदम से धक्का दे दिया, कोई एकदम से फोर्स एक्ट कर जाए, तो उस केस में हमारे जो एल्डरली हैं उनके अंदर टेंडन का रप्चर हो सकता है. और मोस्ट कॉमन जो साइट है टेंडन रप्चर की वो मस्कुलोटेंडिनियस जंक्शन होते हैं, जहां पे मसल और टेंडन जो है वो बोन के साथ जाके अटैच हो रही है, ठीक है, या जहां पे मसल और टेंडन का जंक्शन है, ठीक है, मस्कुलोटेंडिनियस, और जहां पे टेंडन फिर बोन के साथ जाके अटैच हो रहा है, तो ये वो कॉमन साइट्स हैं जो टेंडन के रप्चर की एरियाज हैं. और कौन से जो दो टेंडन्स हैं वो ज्यादा रप्चर होते हैं, दैट इज बाइसिपिटल टेंडन जो आपके शोल्डर जॉइंट में है, और एचिलस टेंडन जो आपके एंकल के ऊपर अटैच होता है. ये दो कॉमन ऐसे टेंडन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली रप्चर होते हैं हमारे एल्डरलीज के अंदर. अब जो टेंडन रिपेयर है, ठीक है, उसमें दो तरह के टेयर्स हैं. हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि टेंडन या तो कम्प्लीटली रप्चर हो जाता है, इसकी कुछ डिग्रीज हैं, या फिर इनकम्प्लीट रप्चर होता है. अब जो कंप्लीट रप्चर है टेंडन का, ठीक है, उसमें आपको इमिजिएटली रिपेयर करना पड़ता है विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर इंजरी, ठीक है, कि या तो आप उसको इमिजिएटली रिपेयर करते हैं या फिर आप कुछ दिनों के बाद जो है वो टेंडन रिपेयर करते हैं. मसल को हम इमिजिएटली रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपने कंप्लीट टेयर जो है आपके टेंडन्स का, या तो आप उसको इमिजिएटली रिपेयर करेंगे या फिर आप उसको टाइम देंगे, क्योंकि कंप्लीट टेयर में हमने पहले भी बात की थी कि पेशेंट को पेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका जो है वो बिल्कुल ही जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई है. सेकेंड वन, आपने क्या करना है, जैसे हम मसल को शॉर्टन पोजिशन में इमोबिलाइज करते हैं, वैसे ही सेम आपने जो टेंडन है उसको शॉर्टन पोजिशन में इमोबिलाइज करना है सर्जरी के बाद. A longer immobilization period may be required for a repaired tendon than for a repaired muscle because the vascular supply to tendon is poor. Immobilization ka time jo muscle ke liye hai wo kam hota hai as compared to tendon repairs, kyunki tendon ko properly blood supply nahi milti, theek hai, unki vascular supply jo hoti hai wo poor hoti hai. Muscles ko bahut achhi vascular supply milti hai, healing ke liye blood circulation bahut zyada important hai. तो इसलिए हम टेंडन के जो रिपेयर्स हैं उनको ज्यादा अरसे के लिए इमोबिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे मस्कुलर रिपेयर्स हैं, ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई है टेंडन रिपेयर के साथ. अब जो टेंडन रिपेयर्स हैं उनको पोस्ट ऑपरेटिवली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं सर्जरी के बाद एडहेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और हीलिंग टिश्यूज की जो हीलिंग प्रमोट करनी है आपने, उसके लिए हम शुरू में मसल सेटिंग जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपके जो कंट्रोल्ड एंटी ग्रेविटी मोशंस हैं, ये हम सेवरल वीक्स जब हो गए हैं टेंडन रिपेयर को उसके बाद स्टार्ट करा सकते हैं, फौरन से हम स्टार्ट नहीं कराते. वेट बेयरिंग जो है वो हम 6 to 8 weeks के बाद स्टार्ट कराते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो हमारी हैवी लिफ्टिंग है, जब तक के पेशेंट को एटलीस्ट 8 weeks नहीं गुजर जाते तब तक हम उसको हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस जो है वो नहीं कराएंगे अपर एक्सट्रीमिटीज की, ठीक है. अगर अपर एक्सट्रीमिटी का उसको कोई टेंडन रिपेयर हुआ है, जैसे बाइसिपिटल अगर टेंडन रिपेयर हुआ है, तो उस केस में हम अपर एक्सट्रीमिटी की जो लिफ्टिंग एक्टिविटीज है वो पेशेंट को मना कर देते हैं. दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर फर्स्ट 6 to 8 weeks, तो ये हमने पेशेंट को नहीं कराने. 6 to 8 weeks का मतलब है कि 1.5 से 2 महीना हम ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को नहीं कराते, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है लिगामेंट रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन. लिगामेंट के जो रिपेयर्स होते हैं इनमें आप क्या करते हैं, रिपेयर में आप जो टॉर्न लिगामेंट है इनको आपस में अप्रोक्सीमेट करते हैं और उनके ऊपर से सुचरिंग कर देते हैं, ठीक है. कॉमन साइट्स जो है वो हमारे नी, एंकल और एल्बो ज्वाइंट्स हैं, जहां पे हमारी जो लिगामेंट है उनके रिपेयर्स होते हैं. रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है लिगामेंट का, लिगामेंट की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका मतलब ये है कि आपने डोनर साइट से एक ग्राफ्ट लिया है और ग्राफ्ट आपने लगाया है दोबारा से लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए, ठीक है. जब कंप्लीट लिगामेंटस टेयर हो जाते हैं तो उस केस में हमें फिर ग्राफ्ट रिक्वायर्ड होता है, या लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई है, फौरन से सर्जरी नहीं हुई है, तो अब लेंथ को पूरा करने के लिए आपको ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको जो लिगामेंट है वो श्रिंक हो गया है. तो उस केस में आपको जो आप सर्जरीज करते हैं ग्राफ में वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, और जो रिपेयर होते हैं उनमें आप उसी जो लिगामेंट है
उनके जो टॉर्न पार्ट्स हैं उनको आपस में अप्रोक्सीमेट करते हैं और उनके उनको ऊपर से सुचर कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिगामेंट रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिवली हम ज्वाइंट को ऐसी पोजीशन में रखते हैं जो एक लेवल ऑफ टेंशन जो है रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट के ऊपर लगाता रहे। पहले तो हमने टेंडन में और जो हमारे मसल्स थे उनमें हमने शॉर्टन पोजीशन में रखा था। लिगामेंट के केस में क्योंकि हमने लेंथनिंग दोबारा से अचीव करनी होती है लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट के केस में हम ऐसी पोजीशन में पेशेंट को जो है वो रखते हैं जो सेफ लेवल ऑफ टेंशन दे, बहुत ज्यादा भी नहीं, सेफ लेवल हो ताकि आपकी हीलिंग जो है वो एक्सेलरेट होती रहे। तो सेफ लेवल ऑफ टेंशन के अंदर हम जो पोस्ट ऑपरेटिवली होल्ड करा देते हैं लिगामेंट्स को ताकि उनकी हीलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो सके। इसके बाद है कैप्सूल स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। मैंने इसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के ऊपर इसलिए भी फोकस नहीं किया कि सेम है जैसे हम पीछे करते हैं, कि जो लिगामेंट की सर्जरीज होती हैं उनमें आप अर्ली जो प्रोटेक्टेड मोशंस हैं और जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग है, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज हैं ताकि हीलिंग टिश्यूज जो हैं उनको सेफ एक लोड प्रोवाइड किया जा सके वो कराते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जो रिपेयर है या जो रिकंस्ट्रक्शन है वो की है, ठीक है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ACL की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करनी है, ठीक है, हमने उसमें पटेलर टेंडन से ग्राफ्ट लिया है और हमने बोन टू बोन फिक्सेशन किया है, तो ऑब्वियस बात है अब बोन से बोन आपने उसको फिक्स किया है और साथ में आपने पटेलर टेंडन का ग्राफ्ट लिया है, तो आप पेशेंट को बहुत जल्दी प्रोग्रेस करा सकते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक है। एज कम्पेयर टू कि आपने जो स्पोर्ट दी है वो खाली सॉफ्ट टिश्यू लेके आपने सॉफ्ट टिश्यू से स्टेबलाइज किया है, तो ऑब्वियस बात है अगर सॉफ्ट टिश्यू स्टेबलाइजेशन होगी तो उस केस में आपको स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ेगा एक्सरसाइजेस को। अगर बोन टू बोन फिक्सेशन की है आपने लिगामेंट की, तो उस केस में फिर आप मोर रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको देख के आप जो अपने एक्सरसाइजेस हैं वो पेशेंट की प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। खैर इसमें जो लिगामेंटस जो आपकी रिहेबिलिटेशन है वो 6 मंथ से एज लॉन्ग एज अ ईयर भी जा सकती है, ठीक है, कि 6 मंथ तो मिनिमम टाइम है, इतना टाइम लगता है लिगामेंट्स को दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने में। लिगामेंट्स क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स को, तो उस केस में आपको इनकी स्ट्रेंथ अचीव करने में 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है वो लग सकता है। तो आपने जब भी किसी पेशेंट को डील करना है तो पहले से उसका माइंड बना देना इसके बारे में कि मिनिमम इतना टाइम जो है वो आपको रिक्वायर्ड है दोबारा से नॉर्मल अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ। मोस्ट कॉमनली ये स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज है, तो स्पोर्ट में जाने के लिए आपको इतना टाइम तो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल स्टेबलाइजेशन की और रिकंस्ट्रक्शन की। ज्वाइंट कैप्सूल जिसमें एक्सेसिव लेग्जिटी हो, ऑब्वियस बात है वो स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। तो हाइपर लेग्जिटी जो होती है कैप्सूल्स की वो इनस्टेबिलिटी कॉज कर सकती है, उसकी वजह से सबलेग्जेशन हो सकती है, उसकी वजह से रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है, और ये मोस्ट कॉमनली उन ज्वाइंट्स के अंदर होता है जिनमें स्टेबिलिटी कम होती है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर का जो हेड है, ठीक है, ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लेनॉइड कैविटी से बहुत बड़ा है, तो वहां पे लिगामेंट ही है जो सराउंडिंग में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपके जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज डिसलोकेशन बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। तो जो आपके कैप्सूल की स्टेबलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो रिकरेंट डिसलोकेशन है उसको बचाने के लिए। तो कैप्सूल की जो स्टेबलाइजेशन है वो हम उन पेशेंट्स में कराते हैं जिनमें बार बार डिसलोकेशन हो रही हो, ठीक है। डिसलोकेशन के साथ साथ उनकी ऑब्वियस बात है जब डिसलोकेट होते हैं ज्वाइंट तो आपकी जो आर्टिकुलर कैप्सूल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें एवल्जन आ सकती है, उनमें प्रॉब्लम आ सकता है, साथ में आपके डिसलोकेशन की वजह से या इनस्टेबिलिटीज की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। आप लोगों ने एवल्जन फ्रैक्चर के बारे में भी पढ़ा होगा कि जब फ्रैक्चर होता है तो टेंडन अपने साथ जो चिप है आपकी बोन की वो साथ ले जाए, तो उसको एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। बायोमैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया, ये बायोमैकेनिक्स 1 में है। रिकरेंट डिसलोकेशन है या सिम्टोमैटिक सबलग्जेशन है, तो इन केसेस में हम कैप्सूल की जो स्टेबलाइजेशन है और जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है वो पेशेंट को कराते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, कैप्सूलोरेफी है, कैप्सूलोरेबुलर रिकंस्ट्रक्शन है और इलेक्ट्रोथर्मली असिस्टेड कैप्सूलोरेफी है। बेसिकली ये सर्जरीज क्या क्या है। कैप्सूलोरेफी में क्या होता है, कैप्सूलोरेफी में हम आर्थोस्कोपिक
भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसीजर, या फिर हम ओपनली भी जो कैप्सूल और एफी है वो कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि आप कैप्सूल का जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है उसको इंसिजन देते हैं, ठीक है, उसको इंसाइज करते हैं, और फिर जो आपके जहां पे आपने इंसिजन दी है स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कैप्सूल को, उसको आप साथ वाले जो एरियाज हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब आपके कैप्सूल हाइपर लेग्स हो जाते हैं, ठीक है, उस केस में आपके डिसलोकेशन के चांसेस हैं, तो आप कैप्सूल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. आप क्या करेंगे, कैप्सूल का एक पोर्शन आप कट करेंगे और फिर उनको आपस में टाइट कर देंगे, ठीक है, आप कैप्सूल के एक स्पेसिफिक पोर्शन को इंसिजन देंगे और साथ में जो बाकी टिश्यूज हैं उसके साथ उसकी ओवरलैपिंग करके उसकी सुचरिंग कर देंगे ताकि कैप्सूल की लेग्जिटी को कम किया जा सके, ठीक है. तो इसको आप कहते हैं कैप्सूलर रैफी और कैप्सूलर शिफ्ट. जो कैप्सूलर लेबरल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें आप क्या करते हैं, इसमें भी आप ऑर्थोस्कोपिकली कर सकते हैं और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं. इसमें आपने क्या करना है, जो कैप्सूल की लयन है, ठीक है, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में बेनकार्ट लयन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपकी जो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है शोल्डर की, तो आपके जो कैप्सूल है उनपे लयन आती है, ठीक है, कि जो लेब्रम है वो डिटैच हो जाता है, जिसको आप बेनकार्ट लयन कहते हैं, ये एंटीरियर डिसलोकेशन में होता है. तो जो बेनकार्ट लयन है आपकी शोल्डर ज्वाइंट की, उस केस में आप क्या करेंगे कि आप ऑर्थोस्कोपिकली या ओपनली जो कैप्सुलर लेयन है या जो आपके लेबरल टेयर है आप रीअटैच कर देंगे लेब्रम को रिम ऑफ द ग्लेनाइड से, ताकि आपकी जो कैप्सूल है उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की जा सके. क्या किया है आपने, कैप्सूल और लेब्रल इनकी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की है, कि आपने जो कैप्सुलर लेयन है या जो लेबरल टेयर था आपने लेब्रम को दोबारा से कैप्सूल के साथ रीअटैच कर दिया है ताकि उसकी स्टेबलाइजेशन को बढ़ाया जा सके. तो इसको आप कैप्सूल और लेबरल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं. थर्ड वन है इलेक्ट्रोथर्मली असिस्टेड कैप्सुलोग्राफी. जो इलेक्ट्रोथर्मली असिस्टेड कैप्सुलोग्राफी होती है इनमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सिर्फ ऑर्थोस्कोपिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ये ओपन नहीं होती. ऑर्थोस्कोपिकली आप क्या करेंगे, थर्मल जो एनर्जी है, जैसे लेजर है, ठीक है, लेजर को आप कैप्सूल तक डिलीवर करते हैं ताकि कैप्सूल जो है वो श्रिंक हो जाए. कैप्सूल श्रिंक होगा तो आपकी जो लेग्जिटी है वो ऑब्वियस बात है कम हो जाएगी, ठीक है. तो इलेक्ट्रोथर्मली जो असिस्टेड कैप्सूल और एफी होती हैं उनमें आप लेजर इस्तेमाल करते हैं आर्थोस्कोपिकली या कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपकी रेस है, ताकि कैप्सूल के साइज को कम किया जा सके, श्रिंक किया जा सके, ठीक है. तो इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोथर्मली असिस्टेड कैप्सुलोग्राफी. तो ये वो चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कैप्सूल की स्टेबलाइजेशन के लिए. नेक्स्ट वन है टेंडन ट्रांसफर और रीअलाइनमेंट. पहले हमने टेंडन रिपेयर की बात की थी, अब हम टेंडन को ट्रांसफर कर रहे हैं या टेंडन को हम दोबारा से रीअलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. अब जब भी टेंडन के ट्रांसफर होते हैं या आप टेंडन को रीअलाइन करते हैं तो आपका जो लाइन ऑफ पुल है, जाहिर सी बात है मसल के साथ टेंडन है, अगर आप टेंडन को कहीं और लगा देंगे तो लाइन ऑफ पुल और जो रीअलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगी. तो ट्रांसफर और जो रीअलाइनमेंट है मसल टेंडन यूनिट की, वो लाइन ऑफ पुल को चेंज कर देती है, आपकी जो फोर्स जनरेशन कैपेसिटी है उसको चेंज कर देगी, मसल की जो एक्सकर्शन है उसको चेंज कर देगी. एक्सकर्शन के बारे में आप लोगों ने काइनी में भी पढ़ा, हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि आपके मसल कितने लेंथनड अप हो सकते हैं, कितने शॉर्ट हो सकते हैं, वो उसकी फंक्शनल एक्सकर्शन होती है. तो जब आप टेंडन को कहीं और अटैच कर देते हैं, रीअलाइन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये चीजें मसल के एक्सकर्शन को, मसल के लाइन ऑफ पुल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेबिलिटी इम्प्रूव करनी है किसी भी अनस्टेबल शोल्डर ज्वाइंट की, ठीक है, या फिर आपने स्टेबिलाईज करना है पटेला को जो बार बार डिसलोकेट हो रहा है. पटेला आप सबको पता है, एंटीरियर जो नी कैप है आपके नी के ऊपर, उसको आप पटेला कहते हैं. अब क्या है कि आपको इस केस में रीअलाइनमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बार बार शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो रहा है, तो आपको रीअलाइन करना पड़ेगा. तो रीअलाइनमेंट प्रोसीजर आप कर रहे हैं. अब जो रीअलाइनमेंट प्रोसीजर है वो आपके लाइन ऑफ पुल को चेंज कर देता है. रीअलाइन करें, हम ट्रांसफर नहीं करें, दोनों चीजों में डिफरेंस है. ट्रांसफर में कुछ और होता है, रीअलाइनमेंट में कुछ और होता है. आप टेंडन को रीअलाइन कर रहे हैं, टेंडन की जो रीअलाइनमेंट सर्जरीज होती हैं इनमें आपका सिर्फ लाइन ऑफ पुल ऑल्टर होता है, एक्शन नहीं चेंज होता मसल टेंडन यूनिट का, ठीक है. मसल टेंडन यूनिट का एक्शन वही रहेगा. फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हमने क्या किया है, हम पटेलर डिसलोकेशन बार बार हो रही है, रिकरेंट है पटेलर डिसलोकेशन,
तो हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप है, नी का एक्सटेंसर है, हम जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म है उसको रियलाइन करेंगे. जब हम एक्सटेंसर मैकेनिज्म को रियलाइन करेंगे सर्जरी के थ्रू, तो भी क्वाड्रिसेप नी का एक्सटेंसर ही रहेगा, क्योंकि हमने क्वाड्रिसेप को ट्रांसफर नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिसेप के टेंडन को रियलाइन किया है, क्योंकि क्वाड्रिसेप की वीकनेस की वजह से पटेला बार बार डिसलोकेट होती है. ठीक है, तो हमने क्या किया, टेंडन को रियलाइन किया ताकि डिसलोकेशन को प्रिवेंट किया जा सके. जब आपने सिर्फ रियलाइनमेंट सर्जरीज की हैं, तो वो लाइन ऑफ पुल को अफेक्ट करेगी, लेकिन मसल के फंक्शन को चेंज नहीं करेगी. लेकिन अगर आपने ट्रांसफर सर्जरी करनी है, ठीक है, कि आपने टेंडन को एक बोनी सरफेस से दूसरी बोनी सरफेस पे अटैच कर देना है, तो उस केस में ना तो सिर्फ लाइन ऑफ पुल ऑल्टर होता है, बल्कि टेंडन का जो एक्शन है वो भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस. फ्लेक्सर आप सबको पता है पाल्मर सरफेस पे अटैच होते हैं, ठीक है. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस जो है वो डिस्टल जो इंटरफ्लेंजल ज्वाइंट है वहां पे जाके अटैच हो जाता है. अब क्या हुआ है, मेरे पास सीपी का पेशेंट आया, सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट आया, ठीक है, चाइल्ड आया मेरे पास सीपी का. इनमें चांसेस होते हैं कि रिस्ट के फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर डिवेलप हो सकते हैं. अब मैं चाहती हूं कि रिस्ट जो है वो एक्टिवली एक्सटेंशन में रहे, ताकि पेशेंट चीजों को ग्रिप भी कर सके. अगर वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर में चला गया तो हाथ खुलेगा ही नहीं और वो कुछ भी नहीं पकड़ सकता. तो मैं ये चाह रही हूँ कि पेशेंट जो है वो रिस्ट को एक्सटेंड करके चीजें पकड़ सके. तो मैं क्या रिकमेंड करूंगी कि जो इसके फ्लेक्सर है ना रिस्ट के, उनका मैं टेंडन ट्रांसफर करा दूं ताकि वो एज एक्सटेंसर काम करे. ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया कि जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस की अटैचमेंट थी मेरे डिस्टल इंटरफ्लेंजल ज्वाइंट के ऊपर, मैंने उसको सर्जिकली वहां से उखाड़ा और मैंने उसको डोर्सल सरफेस पे लगा दिया रिस्ट की. तो अब मेरा ये टेंडन फ्लेक्सर के बजाय एक्सटेंसर का काम देगा. बात समझ आ रही है? तो ये वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं, ये टेंडन ट्रांसफर प्रोसीजर्स होते हैं. टेंडन ट्रांसफर में ना सिर्फ लाइन ऑफ पुल अफेक्ट होता है, बल्कि टेंडन ट्रांसफर के अंदर मसल का एक्शन भी चेंज हो जाता है. ठीक है, अलाइनमेंट के अंदर जब आप टेंडन को रियलाइन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ पुल ऑल्टर होता है, फंक्शन मसल का वही रहता है. तो ये वाली डिफरेंस है टेंडन ट्रांसफर में और रियलाइनमेंट में. जब आपने सर्जरी की है, तो फिर आपने क्या किया है, सर्जरी करने के बाद आपने मसल टेंडन यूनिट को इमोबिलाइज किया है शॉर्टन पोजिशन में. फिर पोस्ट ऑपरेटिवली आपने अर्ली मसल सेटिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी, ताकि मसल टेंडन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और टेंडन की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है वो रहे. ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट्स में आपके टेंडन में ग्लाइडिंग होती है, ये बोन के अगेंस्ट वो मूव करता है. तो नॉर्मल मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है ताकि टेंडन एक जगह पे अडहेयर ना हो जाए, टेंडन में अडहियंस ना बन जाए. उनके नॉर्मल मोबिलिटी के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि अर्ली जो मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाए. लेकिन जो रेजिस्टेंट मूवमेंट्स है, इनको आप बहुत आप कहें कि आहिस्ता आहिस्ता या बहुत एहतियात से प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि डिटैच होने के चांसेस होते हैं टेंडन्स के. ठीक है, इसके अलावा जब भी आपने ट्रांसफर किया है और आप मसल के फंक्शन को चेंज होना है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस देते हैं, क्योंकि हमें बायोफीडबैक नेसेसरी होता है, ताकि पेशेंट को आइडिया हो. एकदम से तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपने टेंडन वहां लगा दिया तो वहां जाके वो वाला फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होता. जो आपने टेंडन के ट्रांसफर्स किए होते हैं, आपको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करना पड़ता है मसल को और पेशेंट को बार बार सिखाना पड़ता है, ताकि जो न्यू एक्शन है ट्रांसफर मसल्स का वो उसको सीख सके. ठीक है, तो ये वाली चीज है हमारे टेंडन ट्रांसफर के साथ. जो नेक्स्ट सर्जरीज है, दे आर रिलीज, लेंथनिंग और डीकम्प्रेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. जो रिलीज और लेंथनिंग होती है, वो बेसिकली रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, पेन को कम करने के लिए और जो डिफॉर्मिटी है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, रिलीज में, लेंथनिंग में और डिकम्प्रेशन में. नॉर्मली आप क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन देते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं. ठीक है,
क्या किया है आपने, सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन दी है और जो भी वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज थे जैसे कोई फाइब्रोटिक टिश्यूज बन गए थे जो अब रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने उनको निकाल दिया ताकि आप रिलीज कर दें। इससे रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होगी और इससे पेशेंट जो है उसकी पेन भी सबसाइड हो जाएगी। तो जो रिलीज वाले प्रोसीजर्स होते हैं उनमें आपकी मायोटोमी, टीनोटोमी, फेशियोटोमी, नाम ही बता रहा है कि आप फेशिया को रिलीज कर रहे हैं, आप टेंडन को रिलीज कर रहे हैं, आप मसल को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। मायोटोमी मींस मसल रिलीज, टीनोटोमी टेंडन है और फेशियोटोमी आपका फेशिया रिलीज है। तो रिलीज वाली जो आपकी सर्जरीज हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सर्जिकल रिलीज जो है सॉफ्ट टिश्यूज का, ये हमारे यंग पेशेंट्स में ज्यादा हम कराते हैं जिनको एकदम से आर्थराइटिस जो है वो डिवेल्प हो जाता है। किस वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से आर्थराइटिस हो सकता है यंग में। तो यंग में हम फिर जो रिलीज सर्जरीज हैं, सर्जिकल रिलीज जो सॉफ्ट टिश्यूज के हैं वो करा देते हैं। हम टेंडन को रिलीज भी करा सकते हैं जिसको हमने बात की टीनोटोमी। तो टेंडन को पार्शली आप इंसाइज करते हैं, जी लेंथनिंग एक प्रोसीजर है ये, आप जब वो पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे जी लाइन या जी जो थेरेपीज होती है। खैर ये हमारी एक्सटेंसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पोस्ट ऑपरेटिवली क्या कर क्या क्या कुछ कर सकते हैं, एक तो सीपीएम आप करा सकते हैं। सीपीएम क्या है, कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन। हमने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के जो कुछ फर्स्ट लेक्चर्स थे उनमें सीपीएम के बारे में पढ़ा था कि रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिफरेंट तरह की मशीन इस्तेमाल होती है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, उसको आप कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन मशीन कहते हैं। उसकी रेंज आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, वो बहुत स्लो जो पैसिव मोबिलिटीज है वो पैसिवली जो लिम्ब है उसको मूव कराती है। तो सीपीएम के थ्रू आप रेंज ऑफ मोशन को आफ्टर अ डे और टू जो है सर्जरी के करा सकते हैं, या फिर आप एक्टिव जो असिस्टेड मोशन है वो करा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा टिश्यू है, ठीक है, और हीलिंग कितनी जो है वो टिश्यू की हो गई है। इसके अलावा जो हमारे एंटेगोनिस्ट हैं उनको हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है, ठीक है, जो मसल्स को हमने लेंथन अप किया है, क्योंकि हमने बात की रिलीज लेंथनिंग और डिकम्प्रेशन हम कर सकते हैं। तो जिनको आपने लेंथन अप किया है उनके जो एंटेगोनिस्ट हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड है ताकि एक्टिव कंट्रोल ऑफ मूवमेंट जो है उसको अटेन किया जा सके। तो हम ये सर्जरीज भी करा सकते हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन है ज्वाइंट के प्रोसीजर्स। अब जो ज्वाइंट के प्रोसीजर्स हैं उनमें आर्थोस्कोपिक डेब्राइडमेंट भी होती है, लैवेज भी होती है, साइनोवेक्टोमी भी होती है। साइनोवेक्टोमी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरए के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने साइनोवियल को साइनोवियम जो है उसको रिमूव करने के लिए हम बिल्कुल ही जो सर्जरीज हैं वो करा सकते हैं, ठीक है, कि साइनोवियम को आपने रिमूव कर दिया। लेकिन क्या है कि साइनोवियम जो है वो दोबारा से बन जाती है, ठीक है, तो इसीलिए ये दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो हम जो इनफ्लेम साइनोवियम है उससे सिर्फ टेम्परेरली रिलीफ दे सकते हैं क्योंकि इसने दोबारा से जो है वो रीग्रो करना होता है, रीजनरेट करना होता है, ठीक है। खैर ज्वाइंट प्रोसीजर्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज के प्रोसीजर्स भी हैं। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के प्रोसीजर्स हैं उनमें आप आर्टिकुलर कार्टिलेज के जो डिफेक्ट्स हैं उनको सर्जिकली रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी, सबकोंड्रल ड्रिलिंग एंड माइक्रोफ्रैक्चर। बेसिकली एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी में, सबकोंड्रल ड्रिलिंग में और माइक्रोफ्रैक्चर में क्या होता है, एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी को हम एब्रेशन कोंड्रोप्लास्टी और सबकोंड्रल ड्रिलिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रिल सी मशीन होती है, ठीक है, आर्थोस्कोपिक ड्रिल कहते हैं उसको। आर्थोस्कोपिक ड्रिल को हम अंदर डालते हैं, ठीक है, आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास, इस तरह से कि वो जो ड्रिल है वो आर्टिकुलर सरफेस तक इस तरह से पहुंचती है कि जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं आपकी उन सबको ड्रिल करती हुई, सुराख करती हुई अंदर तक जाती है और बोन को एक्सपोज कर देती है, सब कोंड्रल बोन तक जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप वहां पे जो एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी है इसको हम ड्रिलिंग करके जो है वो हम जो एब्रेशन है आर्टिकुलर सरफेस की वो कर देते हैं। फिर जो वहां पे न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होती है, हीलिंग होती है न्यू टिश्यूज की, न्यू टिश्यू जब वहां पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एब्रेशन जो सर्जरीज हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के रिपेयर में। बस इसका पॉसिबली जो है वो यही इफेक्ट है कि ये सिम्टम्स को रिलीव कर देती है, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यू टेक्निक है जिसको हम माइक्रोफ्रैक्चर कहते हैं। माइक्रोफ्रैक्चर क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ये जो हमारे बहुत स्मॉल ऑस्टियोकोंड्रल डिफेक्ट्स हैं जो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं
उनको करने के लिए हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं दैट इज माइक्रोफ्रैक्चर. इसमें हम नॉन मोटर आर्थोस्कोपिक ऑल पेनिट्रेट करते हैं. ठीक है, जो आपकी ड्रिलिंग है उसमें एक प्रॉपर ड्रिल आर्थोस्कोपिकली आप एक ड्रिल पेनिट्रेट करते हैं जो सब कॉन्ड्रल बोन लेयर तक जाती है. जबकि जो आपके माइक्रो फ्रैक्चर है इसमें हम नॉन मोटराइज्ड ऑर्थोस्कोपिक ऑल यूज करते हैं जो सबकॉन्ड्रल बोन सिस्टम तक पेनिट्रेट करता है और बोन मैरो को एक्सपोज कर देता है. जब बोन मैरो एक्सपोज होता है तो दोबारा से न्यू टिश्यूज जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो माइक्रो फ्रैक्चर है ये सिम्टम्स को रिलीव करता है ज्यादा अच्छे तरीके से एज कम्पेयर टू सबकॉन्ड्रल ड्रिलिंग, क्योंकि सबकॉन्ड्रल ड्रिलिंग के थ्रू थर्मल नेक्रोसिस हो जाती है सराउंडिंग टिश्यूज की, क्योंकि गर्म होती है वो. ठीक है, तो जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं जहाँ पे आप करते हैं उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है थर्मल नेक्रोसिस. तो उससे बेहतर है माइक्रो फ्रैक्चर के इसके अंदर हमारी जो सर्जरी है वो नॉन मोटर होती है. ठीक है, इसके अलावा है कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन. कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन को हम ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन भी कहते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है, ये वो सर्जरी है जो आपके हायलिन जो कार्टिलेज है, हायलाइन कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं आपके, इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज और हायलिन कार्टिलेज. तो हायलिन कार्टिलेज की जो ग्रोथ है इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम कॉन्ड्रोसाइट को ट्रांसप्लांट करते हैं. ठीक है, कि हम ज्वाइंट के अंदर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट डालते हैं. कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन जो है इसके टू फेजेस हैं. पहली क्या फेज है कि हम हेल्दी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको आर्थोस्कोपिकली निकालते हैं. ठीक है, ये हमारी ऑटोलोगस है कि हम पेशेंट के अंदर से निकालते हैं जो उसके हेल्दी कार्टिलेज है वहां से हम आर्थोस्कोपिकली हेल्दी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो निकालेंगे. ठीक है, उसमें से कॉन्ड्रोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको काफी सेवरल वीक्स तक कल्चर किया जाता है. कल्चर में हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका जो वॉल्यूम है टिश्यूज का वो बढ़ाते हैं. जब हेल्दी टिश्यूज के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, हमने उसको सेवरल वीक्स से जब कल्चर किया, तो सेकेंड फेज में हम इम्प्लांट कर देते हैं उसको दोबारा से. ठीक है, टू फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं. पहली फेज जो है वो आपकी निकालने की है, हार्वेस्ट करने की है. दूसरी जो है वो इम्प्लांटेशन फेज है जिसमें हम फिर ओपन प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, जो निकालने वाला प्रोसीजर है वो आर्थोस्कोपिकली होता है और जो डालने वाला प्रोसीजर है वो ओपन प्रोसीजर होता है जिसको हम आर्थ्रोटोमी कहते हैं. आर्थ्रोटोमी का क्या मतलब है कि आपने पूरा जॉइंट जो है उसको खोला है, ओपन प्रोसीजर है. तो ओपन प्रोसीजर के थ्रू हम उसको खोलेंगे, उसके बाद हम पेरियोस्टियल पैच के ऊपर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से जो आर्टिकुलर जो आपके डिफेक्ट्स हैं जो हायलाइन कार्टिलेज है वो बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो एक ये प्रोसीजर है. जो लास्ट वन है दैट इज ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट एंड एलोग्राफ्ट. ठीक है, जो आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की उसके लिए जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट हैं इनमें आप जो है वो बोन टू बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं, उसके लिए आप ऑटोग्राफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोग्राफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वही बात कि अगर आप अपनी बॉडी से लेंगे तो ऑटोग्राफ्ट हो जाएंगे और अगर आप किसी और बॉडी से लेंगे तो वो आपके एलोग्राफ्ट होंगे. ठीक है, तो एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट जो है बोन टू बोन ग्राफ्ट ये भी आप ले सकते हैं जब आपने जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के प्रोसीजर्स हैं उनका ट्रांसफर करना है. नेक्स्ट वन है आर्थोप्लास्टी. आर्थोप्लास्टी जो है कोई भी ऐसी रिकंस्ट्रक्टिव जॉइंट प्रोसीजर जिनमें चाहे आप प्लांट डालें चाहे आप इम्प्लांट ना डालें, ऐसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज जो पेन को रिलीव करने के लिए और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं उनको ब्रॉडली आप आर्थोप्लास्टी कह देते हैं. ठीक है, ऐसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज ज्वाइंट की जो पेन को रिलीव करने के लिए और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं दे आर कॉल्ड एज आर्थोप्लास्टी. अब जो आर्थोप्लास्टी है उसमें मल्टीपल टाइप्स है. एक्सीजन है, एक्सीजन आर्थोप्लास्टी है जिसमें हम इम्प्लांट भी डालते हैं. इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी है, मिनिमल इन्वेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल आर्थोप्लास्टी. एक्सीजन का क्या मतलब है, इसको हम रिसेक्शन भी कहते हैं कि आपने जो पेरी आर्टिकुलर बोन थी उसका एक पार्ट निकाल दिया. ठीक है, या उसका एक पार्ट निकाल दिया या दोनों जो आर्टिकुलर सर्फेसिस थी दोनों में से एक एक पार्ट निकाल दिया. एक्सीजन का मतलब है निकाल देना. तो एक्सीजन आर्थोप्लास्टी जो है इसको हम रिसेक्शन आर्थोप्लास्टी भी कहते हैं. आपने एक पार्ट निकाला और वहां पे जगह छोड़ दी. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे फाइब्रोटिक स्कार टिश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और हीलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा.
ठीक है, ये आर्थोप्लास्टी, एक्सीजन आर्थोप्लास्टी हिप में भी होती है, एल्बो में, रिस्ट में, फुट में, ताकि पेन को एलिवेट किया जा सके। ठीक है, जैसे जो लेट स्टेज आर्थराइटिस होती है, ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट है, जहाँ पे ह्यूमरस और रेडियस ज्वाइंट बना रहे हैं, वहां पे आर्थराइटिस डिवेलप हो गया, तो उस केस में अगर आप रेडियस का हेड निकाल दें, तो वो रेडियस के हेड की एक्सियन आर्थोप्लास्टी है, जिसको हमने रिसेक्शन आर्थोप्लास्टी भी कहा, कि आपने पार्ट ही निकाल दिया बोन का, ठीक है, उसको आप कहते हैं एक्सियन आर्थोप्लास्टी। या फिर कोई बहुत ज्यादा कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रैक्चर हुआ और मल्टीपल पीसेज में बोन डिवाइड होगी, तो उस केस में अगर आप कम्युनेटेड फ्रैक्चर है और आप तो जब आपने रेडियल हेड को निकाला, तो उस केस में जो आपका कम्युनेटेड फ्रैक्चर है रेडियल हेड का, वो भी आपकी एक्सियन आर्थोप्लास्टी है, जो कि पेन को कम करने के लिए आपने इस्तेमाल की। ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अब ये वाली जो सर्जरीज है वो बहुत लेस हो गई है, ठीक है, पास्ट में बहुत ज्यादा होती थी, अब ये बहुत लेस फ्रिक्वेंटली जो है वो होती है एक्सियन आर्थोप्लास्टी, क्योंकि इसके कोई डिसएडवांटेजेस है। एक तो ज्वाइंट की स्टेबिलिटी हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि आपने बोन का पार्ट ही निकाल दिया है, तो आप ज्वाइंट स्टेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा आपकी जो मस्कुलर इम्बैलेंसेस हैं और वीकनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और अगर आप हिप पे करें अगर आप हिप पे करते हैं, तो उस केस में आपकी जो लेग लेंथ की डिस्क्रिपेंसी है वो आ सकती है, कि आपने एक अगर हिप जॉइंट में किया है, तो आपकी जो दोनों लेग्स हैं उनकी जो लेंथ है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, तो लेग लेंथ की जो डिस्क्रिपेंसीज है वो भी आ सकती है आपकी एक्सियन आर्थोप्लास्टी में। खैर, नेक्स्ट वन है एक्सियन आर्थोप्लास्टी विद इम्प्लांट। आपने एक्सरसाइज किया, लेकिन साथ में आपने क्या किया है कि आपने जो पार्ट निकाला था वहां पे आपने इम्प्लांट लगा दिया, ठीक है, आपने क्या किया है कि आर्टिकुलर सरफेस को रिमूव किया और आपने एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा दिया उसकी जगह, तो ये क्या होगा, ये आपकी एक्सियन आर्थोप्लास्टी है, कि आपने इम्प्लांट जो था वो फ्लेक्सिबल सिलिकॉन मटेरियल का लगा दिया, ठीक है। एक्सियन आर्थोप्लास्टी में आप सिर्फ निकालते हैं, कोई इम्प्लांट नहीं लगाते, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता स्कार टिश्यू खुद ही बन जाता है। जो एक्सियन आर्थोप्लास्टी विद इम्प्लांट होती है, उसमें आप इम्प्लांट को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वन है इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी में आप क्या करते हैं, जब आपने बायोलॉजिकली रिसर्फेसिंग करनी है ज्वाइंट की, ताकि न्यू आर्टिकुलर सर्फेस जो है वो ज्वाइंट को मिल जाए, तो उस केस में आप इंटरपोजिशन करते हैं। क्या आपने क्या किया कि जो इन्वॉल्व ज्वाइंट है उसके सर्फेस को आपने डिब्राइड किया, ठीक है, डिब्राइडमेंट करने के बाद आपने एक फॉरन जो मटीरियल था उसको उन दो ज्वाइंट सर्फेस के दरमियान में प्लेस कर दिया। कोई भी वैरायटी ऑफ मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है ज्वाइंट को सर्फेस, ज्वाइंट की सर्फेस को कवर करने के लिए, जैसे फेशिया, टेंडन, सिलिकॉन मटेरियल या मेटल, ठीक है। तो इस तरह की जो आर्थोप्लास्टीज होती है, ये मोस्टली हम यंग में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पेन बहुत ज्यादा है या लॉस ऑफ फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ज्वाइंट सर्फेस, ज्वाइंट की जो सर्फेस है उसको रिसर्फेस कर देते हैं। रिसर्फेस क्या मतलब, इंटरपोजिशन, कि आपने जो ज्वाइंट खराब हुआ हुआ था उसकी वहां से डिब्राइडमेंट की, उसको उखाड़ा, उसको वहां से साफ किया और उसकी जगह पे एक नया जो सरफेस है वो आपने रख दी, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्जरीज होती है, इसको आप इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी कहती है। इसके अलावा है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी का मतलब है कि आपने टोटली ज्वाइंट को रिप्लेस कर दिया। अगर आप पूरे के पूरे ज्वाइंट को रिप्लेस करेंगे, दैट इज टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। अगर आप हाफ ज्वाइंट को रिप्लेस करते हैं, दैट इज हेमी रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट कर दी है, पेशेंट को बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया हिप ज्वाइंट का, अब मैंने हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, तो अगर मैं एसिटेबुलम को, फेमरल हेड को, फेमरल स्टेम को, तीनों को चेंज करके आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल दूं, तो वो मेरी टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर मेरा फेमरल हेड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एसिटेबुलम में डिस्ट्रक्शन आई है, मैं सिर्फ एसिटेबुलम के पार्ट को चेंज करके आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल रही हूँ, तो उस केस में वो मेरी हेमी रिप्लेसमेंट है। तो पूरे का पूरा ज्वाइंट अगर रिप्लेस होता है, दैट इज टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। अगर हाफ ज्वाइंट रिप्लेस होता है, दैट इज हेमी रिप्लेसमेंट। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टीज जो है, ये भी हम करा सकते हैं हमारे जो क्लिनिकल जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 हो जाए, तो उस केस में हम ज्वाइंट की कंप्लीट रिप्लेसमेंट या हेमी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं।
ठीक है, इसमें बहुत डिटेल है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर, वो जो सारे डिटेल है वो हम पढ़ेंगे आगे, कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल जो है वो नहीं होता, ठीक है। इम्प्लांट जो है वो मेटल का भी हो सकता है, इम्प्लांट जो है वो सेमी रिजिड भी होते हैं जिसमें हम प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन इस्तेमाल करते हैं। इम्प्लांटमेंट के जो डिजाइन है वो भी तीन तरह के होते हैं, अनकंस्ट्रेंड, सेमी कंस्ट्रेंड और फुली कंस्ट्रेंड। इनमें क्या डिफरेंस है, मेथड ऑफ फिक्सेशन जो है वो सीमेंटेड हो सकता है, नॉन सीमेंटेड हो सकता है। तो जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टीज है इनकी प्रॉपर डिटेल है। इसमें जो आगे है दैट इज मिनिमली इन्वेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल आर्थोप्लास्टी। मिनिमल इन्वेसिव का क्या मतलब है कि आपने ऐसी रिसेंट एडवांस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी यूज की है जिसमें आप सिर्फ मिनिमल इंसिजन दे रहे हैं पेशेंट को, क्या आप उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको लेस डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्मॉलर इंसिजन है। एज कम्पेयर टू लार्जर ट्रेडिशनल आर्थोप्लास्टी, ठीक है। तो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो है वो हम टोटल हिप और टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो है जो मिनिमल इन्वेसिव हिप रिप्लेसमेंट होती है इसमें सिर्फ वन और टू हम स्मॉलर इंसिजन देते हैं, लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, जबकि जो ट्रेडिशनल इंसिजन है उसमें 30 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हमें इंसिजन देनी पड़ती है और एक्सटेंसिव जो मसल्स है उनको स्प्लिट करना पड़ता है। तो दो तरह की आर्थोप्लास्टीज होती है, मिनिमली इन्वेसिव भी हो सकती है और हमारी जो ट्रेडिशनल आर्थोप्लास्टी है वो भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है आगे वो हमारी जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज है उसके जो इम्प्लांट है उनके मटेरियल की बात की। मैंने आपको बताया इम्प्लांट जो है वो रिजिड हो सकता है जो सिर्फ मेटल का होता है, इसमें हम कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंटी कोरोसिव होते हैं, इन पे जंग नहीं लगता, ठीक है। जो सेमी रिजिड प्लास्टिक है वो हमारा पोली इथाइलीन का बना होता है क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जो पॉलीथाइलीन होता है वो प्लास्टिक ब्रेकेबल नहीं है, वो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसलिए हम जो पॉलीथाइलीन है प्लास्टिक वो इस्तेमाल करते हैं हमारी जो आर्थोप्लास्टी है नी की और हिप रिप्लेसमेंट या एल्बो की भी रिप्लेसमेंट होती है, इवन शोल्डर की भी रिप्लेसमेंट होती है। इम्प्लांट के जो डिजाइन है वो अनकंस्ट्रेंड हो सकते हैं जिसमें स्टेबिलिटी जो है वो इनहेरेंट नहीं होती, जिसमें हम सिर्फ री सर्फेसिंग करते हैं। सेमी कंस्ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फुली कंस्ट्रेंड है इम्प्लांट वो भी हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें आपकी आर्टिकुलेटेड, हम आपस में इम्प्लांट को जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं जो हमारी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, इनहेरेंट करते हैं हमारी स्टेबिलिटी को। इसके अलावा हमारी जो मेथड ऑफ फिक्सेशन है वो सीमेंटेड है और नॉन सीमेंटेड है। सीमेंटेड में क्या होता है कि आपकी जो मटेरियल है वो आपस में बहुत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि वो ज्यादा आपको जो है वो सीमेंटेड फिक्सेशन में हम जो पॉली मिथाइल सेरिलेट है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो ब्रेक डाउन है उसके चांसेस कम से कम होते हैं और जिसमें हमारे जो इम्प्लांट है उसमें लूजनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्रिलिक जो सीमेंट है वो हम इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो नॉन सीमेंटेड होती है उसमें हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कराते हैं, ठीक है, और ये स्क्रूज के थ्रू या प्रेस फिट के थ्रू या जिसमें नॉन पोरस कंपोनेंट है उसमें हम मैक्रो इंटरलॉक इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती और इसको अगर हम नॉन सीमेंटेड कराते हैं तो हमें फिर वेट बेयरिंग में बहुत ज्यादा एहतियात करानी पड़ती है। अगर पेशेंट ने सीमेंटेड अगर हमने की है उसकी, बेसिकली खैर हफ्ते ही करते हैं ये, हमारे जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं वो ये सर्जरीज परफॉर्म करते हैं क्योंकि हफ्ते इसके बाद पेशेंट को प्रॉपर रिहैब कराना हमने इसके बाद प्रॉपर पेशेंट को रिहैब कराना होता है बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, तो इस वजह से हमारे लिए सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड का समझना जरूरी है क्योंकि सीमेंटेड के बाद हम अर्ली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जो है वो पेशेंट को करा सकते हैं। नॉन सीमेंटेड के बाद जो अर्ली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं वो हम नहीं कराते, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे अगर हमने कंप्लीट आर्थोप्लास्टी की है
हाइब्रिड में ये होगा कि एक जो पार्ट होगा वो नॉन सीमेंटेड कंपोनेंट का होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो सीमेंटेड का होगा. तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है टोटल जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी की? अगर जॉइंट में इन्फेक्शन हो एक्टिव तो आप नहीं कराते, अगर क्रॉनिक ऑस्टियोमलाइटिस है तो आप नहीं करा सकते, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है पेशेंट को उस केस में हम जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं वो रिकमेंड नहीं करते, पेशेंट का सब्सटेंशियल लॉस ऑफ बोन है और उसको ट्यूमर्स हो गए हैं. ठीक है, जो ऑब्वियस बात है अगर ट्यूमर्स हैं वो जो इम्प्लांट को वो फिक्स नहीं होने देंगे तो उस केस में हम ट्यूमर्स के केस में जो सर्जरीज हैं वो नहीं करा सकते. पेशेंट के सराउंडिंग मसल्स पैरालिसिस में है, अगर मसल पैरालिसिस में है तो वो इम्प्लांट को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम नहीं करा सकते टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज. न्यूरोपैथिक ज्वाइंट है या फिर पेशेंट जो है वो मोटिवेटेड ही नहीं है, अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो उस केस में भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज का कराना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. तो ये वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में हमने कंसीडर करनी होती है. नेक्स्ट वन है आर्थ्रोडेसिस. आर्थ्रोडेसिस बेसिकली क्या है, अगर आप ज्वाइंट को सर्जिकली फ्यूज कर दें क्योंकि लेट स्टेज आर्थराइटिस है और पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होती है तो आप सर्जिकली अगर ज्वाइंट को फ्यूज कर देते हैं तो उस केस में पेशेंट को आप पेन से बचा सकते हैं, ऑल्दो जो मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट होती हैं लेकिन पेशेंट जो है वो पेन से बच जाता है. ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें मसल्स जो है वो बहुत हद तक वीक हैं और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज भी हैं जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या फिर आपके जो ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं उनकी सीवियर इंजरीज हो गई हैं तो उस केस में हम ज्वाइंट को बिल्कुल ही फ्यूज करा देते हैं ताकि एटलीस्ट हम पेशेंट को पेन से बचा सके. ठीक है, तो आर्थ्रोडेसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली हमारे सर्वाइकल और लंबर स्पाइन में, रिस्ट में, थंब में और एंकल जो है, और कुछ केसेस में हम शोल्डर और हिप जॉइंट के अंदर जो है वो भी करा सकते हैं. अब जो आर्थ्रोडेसिस है उनमें हमने क्या किया है, हमने जॉइंट को फ्यूज कर दिया. ये आपके सामने जो वर्टिब्राज है उनकी फ्यूजन की डायग्राम है कि हमने बोन्स की जो वर्टिब्राज थी उनको फ्यूज कर दिया है तो ताकि इस पे मूवमेंट ना हो सके और पेशेंट जो है उसको हम पेन से बचा सकें. तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं दैट इज आर्थ्रोडेसिस कि सर्जिकली हमने हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको फ्यूज करा दिया. ठीक है, अब जो आर्थ्रोडेसिस है वो डिफरेंट पोजीशंस में होती है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जो आपके जॉइंट्स हैं उनको कहीं पे भी आप जो है वो फ्यूज करा दें. जैसे शोल्डर के लिए आपने अगर आर्थ्रोडेसिस करानी है तो शोल्डर को आपने 15 degree to 30 degree अबडक्शन में रखना है और साथ में फ्लेक्शन हो. ठीक है, और 45 डिग्रीज की इंटरनल रोटेशन होगी इस तरह की पोजीशन के पेशेंट जो है वो अपना हाथ आराम से अपने मुंह तक लेके जा सके, उसको बिल्कुल ही डिसेबिलिटी ना हो. ठीक है, बस हमने पेन से उसको बचाना है तो उस केस में हम इस पोजीशन में शोल्डर जॉइंट को आर्थ्रोडेसिस करा सकते हैं. एल्बो के लिए जो आपका डोमिनेंट अपर एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, जैसे अगर राइट आपको डोमिनेंट है उसको अगर आपने कराना है तो आपने 70 to 90 degree ऑफ जो फ्लेक्शन है जिसको हम मिड पोजीशन कहते हैं फोरआर्म की, ताकि आपके जो नॉर्मल फंक्शन है एल्बो के वो आप क्रॉस कर सके. तो डोमिनेंट अपर एक्सट्रीमिटी में हम 70 to 90 degree कराते हैं और जो नॉन डोमिनेंट है उसमें हम एक्सटेंशन की तरफ ज्यादा करा देते हैं क्योंकि उससे ना उसने मुंह की तरफ लेके जाना है ना उसने कॉम्बिंग करनी है, तो हम एक्सटेंशन में ताकि वो अपने टास्क वगैरह जो है वो कर सके एक्सटेंशन वाले. तो नॉन डोमिनेंट जो लिम है जैसे अगर आपका लेफ्ट नॉन डोमिनेंट है तो उसको आप एक्सटेंशन में फ्यूज करा देंगे. रिस्ट को हम स्लाइट एक्सटेंशन में कराते हैं. जो मेटाकार्पल फिलेंजल जॉइंट है थंब का वो 20 degree ऑफ फ्लेक्शन में हम उसको फ्यूज करते हैं. हिप जो है उसको 10 degree to 15 degree ऑफ फ्लेक्शन में ताकि जो नॉर्मल एम्बुलेशन है और जो सीटिंग है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके. एंकल में डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, टीबियोटैलर है, सब टैलर जॉइंट है. टीबियोटैलर जॉइंट को हम न्यूट्रल या स्लाइट इक्विनस में कराते हैं वुमेन्स में ताकि वो अपनी जो हील्स हैं लोअर हील्स उनको पहन सके. जो सब टैलर जॉइंट है उसको हम न्यूट्रल टू वेलगस में कर सकते हैं. स्पाइन जो है इसको हम न्यूट्रल में करते हैं ताकि जो नॉर्मल हमारे स्पाइन के कर्व हैं उनको मेंटेन रखा जा सके. तो ये ऑप्टिमल पोजिशन है आर्थ्रोडेसिस के लिए. इसके अलावा है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर बॉडी प्रोसीजर. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर बॉडी प्रोसीजर जो है उनमें हम ओपन रिडक्शन या इंटरनल फिक्सेशन करा सकते हैं फ्रैक्चर्स की, या फिर आप ऑस्टियोटॉमी कराते हैं. ऑस्टियोटॉमी आप क्या करते हैं, जो सामने डायग्राम है ये ऑस्टियोटॉमी की है कि आप एक स्लाइस जो है वो जॉइंट के अंदर से आप कट कर देते हैं बोन का ताकि जो स्पेस है आपके जॉइंट के अंदर उसको इंक्रीज किया जा सके. तो ओए के केसेस में अक्सर हम ऑस्टियोटॉमी भी करा देते हैं पेशेंट के कि जो अगर हम नीचे से बोन को बीच में से काट देंगे तो ऑब्वियस बात है जो दो जॉइंट सर्फेसिस हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी.
ठीक है, तो ऑस्टियोटॉमी हम कराते हैं जॉइंट के अंदर स्पेस को क्रिएट करने के लिए. जो ओपन एडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है उसमें क्या है कि आपने ओपन किया है सारे फेशियास को, निकाला है फ्रैक्चर को, आपने दोबारा से अपनी जगह पे रियलाइन किया है बोन को, और फिर आपने अंदर सुचरिंग नेल्स डाल दिए हैं, स्क्रूज डाल दिए हैं, प्लेट्स डाल दी हैं. इसको ओपन एडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कहते हैं. ठीक है, कि आपका जैसे फीमर का ट्रोकेंटर्स का फ्रैक्चर हो गया, तो आपने क्या किया है, आपने उसको प्लेट के साथ और स्क्रूज के साथ जो है वो स्टेबलाइज किया. तो ये वाली जो डायग्राम है ये आपके इंटरट्रोकेंटेरिक जो फ्रैक्चर्स हैं उसकी है. ठीक है, या आपने क्या किया है, जो आपकी टिबिया है, टिबिया का फ्रैक्चर हो गया है, ये वाली जो डायग्राम है सॉरी टिबिया के लिए है, टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है, तो कॉमनली आपने स्क्रूज और प्लेट्स के साथ उसको दोबारा से रियलाइन किया है और दोबारा से वहां पे इमोबिलाईज कर दिया है. तो ये आपकी ओपन इंडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है. ऑस्टियोटॉमी का मैंने आपको बता दिया पहले ही कि सर्जिकल जो कटिंग है और जो रियलाइनमेंट है बोन की, उसको आप ऑस्टियोटॉमी कहते हैं. ये इस वजह से करते हैं आपके जो आपके मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, जो आपकी पेन है उसको आप कम कर सके, डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सके, आपकी जो स्पेस है इसकी वजह से बढ़ जाती है, या आपकी एक डिजीज होती है पर्थस डिजीज, जिसको हम ए वास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, हेड ऑफ द फीमर का, ये कंजेनिटल है. उसके केस में हम बच्चों के अंदर उसके केस में हम जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑस्टियोटॉमी जो है वो करा देते हैं. ठीक है, ताकि जो लेग लेंथ की डिस्क्रिपेंसी है उसको मैनेज किया जा सके. इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई तो प्लीज आप पूछ लें. कोई ऐसी टर्म जो आपके लिए मुश्किल हो, जो आपके ऊपर से गुजर गई, जिसका आपको नहीं समझ आया. है कोई क्वेश्चन? नो मैम मैम आपने म्यूट ही किया हुआ था। जी, वो इस वजह से कि आप लोग लेक्चर के दौरान में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, कोई एक बच्चा भी अगर माइक ऑन कर देता है. पूछ ले अभी कोई क्वेश्चन है तो. है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? नो ये मैम सारे मेल मुझे कर लगते सुनने। दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे. हाँ, मैं लेक्चर आपको मेल कर दूंगी. इससे पीछे वाले सारे लेक्चर्स आपके पास हैं, अभी वाला लेक्चर जो है मैं आपको मेल कर देती हूँ. ओके मैम, मैम थैंक ये यू. बता दे एग्जैक्ट जो है हमारा ये वाइवा कब होगा स्टार्ट? बेटा मैंने आपको यही तो बताया है कि अभी असेसमेंट प्लान रिवाइज हो रहा है, उसमें टाइम ठीक लगेगा. ठीक जैसे ही है असेसमेंट प्लान बन जाएगा तो मैं आप लोगों को हर चीज के बारे में अपडेट कर दूंगी, यस मैम ठीक है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है. ठीक है, जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी. ओके मैम. मैम एक और मैम चीज एक पूछती. सेकंड जी बेटा पूछ ले. हाँ एससीपी की जो हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं वो थ्योरी के पेपर्स के बाद होते हैं, एससीपी का रिटर्न तो कभी भी नहीं होता. वो जो भी एससीपी के होते हैं. वाइवाज होते हैं, आपने लॉग बुक सबमिट करानी होती है, उसके अलग मार्क्स होते हैं, और फिर एससीपी के आपके वाइवाज होते हैं. ओके तो मैम मैम अभी तक हमारा कुछ भी एक स्टार्ट ही नहीं हुआ. क्यों, एससीपी तो ऑनलाइन होनी थी ना, एससीपी ऑनलाइन नहीं हो रही? मैम नहीं जी हो रही मैम ना, एसीपी ऑनलाइन. 1 है ना. तो अभी मेल आई थी मैम सिर्फ से सरफ आपको नान दी कह रहे आपकी थे कि पोस्ट. दिसंबर में स्टार्ट होनी है, दिसंबर के लास्ट पे या जनवरी के स्टार्ट में एससीपी हमारी। मैम ठीक है, तो फिर वो उसी टाइम पे स्टार्ट होगी ना, जो उन्होंने उस टाइम पे एक अपना चीज बनाया पूछ रही होगा. थी कि जी वो कोई मैनुअल रजिस्ट्रेशन हो रही थी एससीपी की ना, तो मैंने वो करवा, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि अगर अभी ना करवाई तो आपका ये पता नहीं कोई इशू होगा, इस तरह वो बोल रहे थे. तो अब वो नहीं एससीपी की सर, सिर्फ नान कराइए. ने कहा था कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी भी है, जब आपको मेल आएगी तो तब आप यूनिवर्सिटी आके दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, फिफ्थ अभी सेमेस्टर स्प्रिंग वालों वालों की की हो हो रही रही है है मैम, जी, मैंने उस वक्त करवा ली अभी ना. स्प्रिंग वालों की हो रही है। तो अब वो सीन है कि वो फ्राइडे को क्लैश आ रहा है मेरा कोई, तो वो कैसे रिजोल्व होगा? आपका फ्राइडे को क्लैश, किसी क्लास का क्लैश आ रहा क्लास का क्लैश आ रहा है 3 बजे, वो एसीपी, और 3:30 बजे मेरी क्लास है. 3 बजे अगर एसीपी है तो मेरा ख्याल है कि
ऑनलाइन अगर होगी तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि वो कि उसके कोई 1.5 घंटे की क्लास होगी, आप वैसे बात करके देख लें, अदरवाइज फिर यही होगा कि आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही उसको फिर सुन सकेंगे, क्योंकि वो एक एक बच्चे का क्लैश नहीं रिमूव कर सकेंगे ना। वही तो मैम, इसके लिए कैंपस विजिट करना पड़ेगा और एंट्री का भी इशू हो रहा है। नहीं एंट्री का भी इशू नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट वीक में था, अब नहीं है, अब नहीं अब है। आ रहे हैं अब वो नहीं पूछ रहे, जो आ रहा है वो आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम अगर हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई तो फाइनल्स वगैरह उधर ही होंगी ना यूनिवर्सिटी में? जी अगर ओपन हुई तो फिर फाइनल्स तो आपकी यूनिवर्सिटी में ही होंगे ना। मैम क्वेश्चन ये था कि आगे जाके एससीपी और क्लास का कोई क्लैश तो नहीं होगा, मतलब एससीपी का वाइवा और क्लास के क्लैश के साथ तो नहीं होगा कि क्विज हो जाए या वो या जो भी होगा? नहीं बेटा, अगर एससीपी आपकी एंड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो रही है तो हमें एटलीस्ट हफ्ते में पता चल जाएगा कि हमने क्या कुछ करना है, तो इतने सारे असेसमेंट्स हम एंड पे तो नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम मिड ऑफ सेमेस्टर में मिड ऑफ दिसंबर में सॉरी स्टार्ट कर लेंगे अपने क्विजेज और बाकी सारी चीजें। सेकेंडली ये होता है कि एससीपी स्टार्ट होते ही एससीपी के तो बीच में ना तो कोई मिड होते हैं एससीपी के, ना ही कोई इस तरह की चीज होती है एससीपी में, हमेशा एंड में जब आपकी सारी रोटेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका लॉग बुक सबमिशन होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है और साथ में आपका वाइवा होता है। इसके मिड या प्रेजेंटेशन में वाइवा के साथ क्लास दूसरे सब्जेक्ट का तो क्लैश नहीं ना आ सकता? नहीं नहीं वो तो आपके जैसे प्रॉपर डेट शीट बनती है ना, इसी तरह से एससीपी का भी बनता है। ठीक ठीक ओके। ऐसे नहीं होता, एससीपी का भी प्रॉपर आपका जो जैसे डेट शीट बनती है उसमें एससीपी का भी आता है। मैम एससीपी के क्विज वगैरह नहीं होते, बस वाइवा और फाइनल होता है? जी एससीपी के कोई क्विज नहीं होते। तो मैम ऑनलाइन कैसे हो सकता? वो उसमें यही है कि आपकी जो जो भी रिसोर्स पर्सन होगा वो कोई डेमो पेशेंट के ऊपर आपको हिस्ट्री टेकिंग और बाकी सब चीजें सिखाएगा। मैम ऐसे तो नहीं समझ आएगी ना हमें सही से? मैम सारा कुछ हो रहा है, सारी दुनिया चल रही है, यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल्स के बच्चे भी तो आ रहे हैं ना, तो हमें भी बुला लें। मैम एटलीस्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर कल को जी डॉक्टर्स के साथ कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि डॉक्टर ऐसा है वैसा है, ये नहीं होता। मैम सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है, शादियां हो रही है, सबके मजे चल रहे हैं, हर कोई हर चीज कर रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही। ये बात तो है, लेकिन अब उन्होंने तो अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की है, कोई मान ही नहीं रहा अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहा। अब आप देखें, आप बाहर जाएंगे तो मॉल्स भरे हुए हैं, लोग इवन के प्लान कर रहे हैं। यस मैम, मैम लोग घूमने जा रहे हैं, हमारा एसीपी वाला सब्जेक्ट हो रहा है, वहां पे सारे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं रोका जा रहा, सिर्फ एक स्टडीज के बारे में स्टॉप लगाया जा रहा है कि कहीं भी पाकिस्तान कहीं आगे ना निकल जाए किसी से, पीछे है तो पीछे ही रहे। बस आप दुआ करें, अल्लाह खैर रखें, क्योंकि कोई मान नहीं रहा, लेकिन वाकई ये वाली जो इस्टाफा वेव आई है वो बहुत लीथल है। अब कोई अपना खुद ख्याल ना रखे तो अब हुकूमत बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं पड़ सकती ना, किसी को घर तो नहीं बांध सकती। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जी बेटा। मैम अगर नेक पे वो जो है नेक के साथ जो मसल्स होते हैं इसका मुझे नाम नहीं अभी याद, तो अगर ये मसल स्पैज्म हो जाए मतलब रिजिडिटी आ जाए इसमें, तो फिर बंदा कौन सी एक्सरसाइज करवा सकता है या कर सकता है? जो आपके नेक के साथ के मसल्स हैं वहां पे स्केलेनी भी है, वहां पे एससीएम भी है, वहां पे ट्रेपीजियस भी है, बल पड़ जाता है बंदे को, ऐसे मूव नहीं होता और पेन होती है अगर बंदा। मैं आपको वही बता रही हूँ, नेक के पास के जो मसल्स हैं वहाँ पे स्केलेनी भी है, वहां पे एससीएम भी है, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइट जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा जो है वो वहाँ पे आपका ट्रेपीजियस मसल भी है, आपकी ये तीनों मसल्स हैं वहाँ पे जो अटैच हुए हैं, इसके अलावा सर्वाइकल डीप जो मसल्स हैं वो भी है, लेकिन जो मोटे मोटे मसल्स हैं बड़े बड़े वो यही है। अब देखो जो आपकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है ना, वो इस वजह से भी आ सकती है कि मसल स्पैज्म है, या फिर अक्सर ये होता है कि आपकी जो बोन है बोन के अंदर जो आपके ये जो इंटरवर्टिब्रल जो ज्वाइंट्स हैं जहाँ पे आपके ट्रांसवर्स वो हैं इंटरवर्टिब्रल जहाँ पे ज्वाइंट्स बनते हैं, तो वहां पे आपकी ना अक्सर जो टेंडन है मसल का वो ना वहां पे फंस जाता है, उसके केस में आपको फिर मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ग्रेड 1 और 2 आप मोबिलाइज करते हैं नेक को, ठीक है, आपके वर्टिब्रास की आप करते हैं, साथ में आप मसल्स जो हैं आपके जो स्टिफ हो गए हैं उनको आप हॉट पैक इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए ताकि वो रिलैक्स हो, साथ में आप जो आपकी क्या कहते हैं एंटी जो स्पैजमोटिक आपकी जो होती है
क्या कहते हैं, मुगल फोर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो स्पैज में मसल का वो रिलीफ हो, लेकिन मेनली मेनली ये आपकी मोबिलाइजेशन से जाता है, ठीक है, कि अगर आप मोबिलाइज करते हैं अपने सर्वाइकल को ताकि आपको जो वहां पे अड़ गया है टेंडन वो वहां से निकाला जा सके, अदरवाइज आपकी जो रेंज है वो गेन नहीं हो सकती, चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप जो मर्जी मेडिकेशन ले लें, हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है लेकिन पेशेंट समझता है कि मेडिकेशन लूंगा तो फर्क पड़ जाएगा, बस बल पड़ गया, वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता. Yes, ma'am. इसमें आपको ट्रैक्शन देनी पड़ती है आपकी सर्वाइकल ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है, आपके जो सर्वाइकल हैं आपको ट्रैक्शन देनी है, आप मोबिलाइज करेंगे. जी बेटा, मैम कह रहा था कि ट्रैक्शन बंदा कैसे है? क्या चीज? ट्रैक्शन बंदा कैसे ले सकता है? सर्वाइकल की ट्रैक्शन, सर्वाइकल की ट्रैक्शन असल में ये आप लोग पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक्स में. यस मैम. स्पाइन के अंदर स्पाइन थेरा 2 का पार्ट है, उसमें आप स्पाइन की मैनिपुलेशन, स्पाइन की मोबिलाइजेशन, स्पाइन की ट्रैक्शन सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, असल में स्पाइन के बारे में बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि पेशेंट जो है सर्वाइकल को जब आप फ्रैक्शन देते हैं तो पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, फेंटनेस भी हो सकती है, जो आपकी वर्टिब्रो बेसल आर्टरी जा रही है अगर आपके इस पे कंप्रेशन आ जाए तो पेशेंट को वो फारिग भी हो सकता है, तो बड़ा एहतियात करना पड़ता है. नहीं बेटा, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं. मतलब ये कैसे मामला दे सकता है? नहीं, आप दोबारा पूछे. मैम मैं ये कह रहा था कि मोबिलाइजेशन 1-2 आपने बताई कि बंदा वो करवा सकता है, वो बंदा कैसे करवाए? आप प्रोन लाइन में लिटाए जी मैम, पेशेंट के जो फोरहेड है उसके नीचे आप उसको कहें कि अपने हाथ रख ले, दोनों हाथों को आपस में फिंगर्स को इंटरलॉक करे और उनको अपने माथे के नीचे रख ले और उल्टा लेट जाए, ठीक है, रिलैक्स होके. उसके बाद आपने उसके स्पाइन को पॉल्पेट करना है और आप वहां पे थंब से जो स्पाइन स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो साइड में उसके ट्रांसवर्स है, ठीक है, वहां पे आप पेशेंट को लाइट लाइट सी ग्लाइडिंग दे सकते हैं. आप नेट पे भी निकालेंगे के मोबिलाइजेशन फॉर सर्वाइकल स्पाइन तो आपको पूरी वीडियो आ जाएगी, तो आप वहां से देख के उसको अप्लाई कर दें, ठीक है मैम. लेकिन एहतियात करनी है इसमें, पेशेंट फेंट भी हो सकता है. अच्छा ठीक है मैम, कोई नहीं मैम, फर्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं. नहीं पता है फिजिकल थेरेपी में आपके हाथ तभी साफ होते हैं जब आप पेशेंट करते हैं. यस मैम. बंदा तो ये सोचे कि मुझे नहीं आता और कुछ हो ना जाए, वैसे तो खैर पता नहीं ये एथिकली ठीक है या नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं. तो थर्ड ईयर में तो मेयो में डेली बेसिस की ओपीडी जो थी वो 100 पेशेंट्स तो आते ही थे, हमें उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हमने हाथ साफ उन्हीं पे किया. ठीक है मैम, बस हम भी करते हैं हाथ साफ. हाँ, आप एक दूसरे के साथ मॉडल बन सकते हैं, कभी उसको लिटाया कभी उसको लिटाया, लेकिन इसके लिए मैं चाह रही थी आप लोगों के प्रैक्टिकल्स एक दफा हो जाएं. अब देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के मोबिलाइजेशन के जो मेन मेन मोबिलाइजेशंस हैं पेरिफेरल जॉइंट्स की, स्पाइन तो आप लोगों ने थेरा 2 में पढ़नी है, लेकिन जो आपके पेरिफेरल जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलाइजेशन मैं एक दफा चाह रही हूँ कि आपको मैं एज सून एज पॉसिबल करवा दूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज हो आप लोगों के पास. मैम, क्लास प्रैक्टिकल ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि हमने पहले भी जो जो एक्सरसाइजेस सीखी हैं कुछ भी याद नहीं है, लाइक वीडियोस आप जितनी देख लो थोड़े अरसे के बाद भूल जाती हैं. हाँ, जो चीजें आपने अपने हाथ से नहीं की होती आपको नहीं याद रहती, जो आप एक दफा अपने हाथ से परफॉर्म कर लेते हैं वो आपको याद रहती है. हमें तो लगता है कि बस 2-3 ही कुछ किए थे, काइनी में 1-2 एक्सपेरिमेंट, मतलब वो एक्सरसाइजेस कुछ मेजरमेंट्स की थी, उसके अलावा तो बस. काइनी में तो आपने गोनियो और एमएमटी पढ़ी होगी ना मैम, यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट करके कर नहीं सकते हाइब्रिड सिस्टम में अगर प्रैक्टिकल्स ही हमारे हो जाएं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने का भी मजा नहीं आ रहा सही जैसे पढ़ा जाता है. हम फिजिक्स लैब क्लासेस भी तो यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, तो हमारे प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकते, और हमारे लिए तो जरूरी है, हम जो पढ़ रहे हैं साथ जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो कब हमें याद होगा, कभी भी नहीं. मैम याद भी नहीं होता मैम, बाद में कब हमारे पास टाइम होगा कि हम परफॉर्म करें और दोबारा से वो सारी चीजें पढ़े दोबारा. हाँ, मैं तो कुछ चाह रही थी कि थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो साथ साथ अगर आपकी हो जाती हैं इसमें तो ज्यादा है, क्योंकि मुझे जब आपको प्रैक्टिकल्स कराने पड़ेंगे तो दोबारा से
एक बैकग्राउंड नॉलेज देनी पड़ेगी और सारा कुछ करना पड़ेगा, तो वो डबल ही हो जाएगा काम। लेकिन होपफुली जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। सिर्फ दिसंबर दिसंबर को गुजरने दें, मैं आपके किसी भी तरह जनवरी में जो है वो प्रैक्टिकल्स अरेंज कर लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, ठीक है क्योंकि मैम हमारे प्रैक्टिकल के बगैर पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हमने पेपर तक या वाइवा तक उसके बाद भूल जाना तो फिर वो पढ़ा किस काम का। नहीं, थेरेप्यूटिक्स तो वैसे भी प्रैक्टिकल है, इसमें सारे प्रैक्टिकल्स ही है, तो वो आपके होंगे प्रैक्टिकल्स। उसके अलावा मुझे पता है नहीं समझ आएगी या नहीं आता उस तरह से, तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही। आपने कभी भी कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होंगे, मैं कराऊंगी क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बात नहीं कर रही, आप तो जाहिर है ये अभी सब्जेक्ट है, लेकिन जो लॉस हमारा हो चुका है वो तो पहले से हो रहा है। लास्ट सेमेस्टर में भी हमारे दो तीन सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिनको प्रैक्टिकल परफॉर्म काफी होना चाहिए था, लाइक टीचर जैसे लाइव समझा सकती है वैसा नहीं आ सकता, एक्सरसाइज थी, काइंडनेस थी, बट तब भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। अब हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या पढ़ा था हमने। चलें, चीजें तो साइड बाय साइड रिवाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप इसके थ्योरेटिकल उसके ऊपर अपनी कमान रखें, जब आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए फिर बस आपको एक दफा डेमोंस्ट्रेट करना है, पीछे बैकग्राउंड नॉलेज तो वही रहेगी जो थ्योरेटिकल है। ठीक है जी मैम, इंशाल्लाह। और मैम एसएपी का क्या करें, या फिर किसी से इन्फॉर्मेशन लें कि अभी वेट करेंगे, कोई मेल हमें खुद ही आ जाएगी? एसएपी का आप लोगों ने खुद तो कहा है कि दिसंबर में स्टार्ट होगी, एंड में। मैम पता नहीं, हमें तो नहीं बताया किसी ने, बस ये था कि सर ने कहा था कि जब स्टार्ट होने वाली होगी तो आपको ऑफिशियल मेल लाजमी आएगी। मैम पहले तो हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर भी आ रहे थे सर नवीद, तो अब तो वो भी नहीं। मैम जो हमें फर्स्ट मेल आई थी ना उसमें 4 जनवरी मेंशन है, और वो मेल मेरे पास अभी भी है। ठीक है, फिर शायद सबको नहीं गई मेल या कुछ इस तरह वाला है, लेकिन मैंने भी यही सुना था कि एसएपी जो है वो एंड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होगी, या जैसे वो कह रहे हैं कि 4 जनवरी की आई हुई है मेल। खैर मैं इसको कंफर्म कर लूंगी अभी, तो यही है कि मेरा जस्ट क्वेश्चन यही था कि हम वेट ही करें ना, खुद ही कर लेंगे वो लोग, हम खुद से तो आप वेट करें जाके इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नहीं नहीं अभी आप वेट करें। ओके मैम, थैंक यू। चले ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ, किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। बाकी आज वाला जो लेक्चर है वो मैंने आप सबको ईमेल कर दिया। ठीक है, ओके मैम, चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़।